नमस्ते सभी को। नमस्ते इंडिया। आज जो है हम फिर से आपके लिए लेके आए हैं त्रिवेणी स्पेशल। यहाँ पे मैं आमंत्रित करने से पहले यहाँ पे मैं बताना चाहती हूँ कि आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप ऑडियो वीडियो आपका ऑफ रखें ताकि किसी को दिक्कत ना हो। हमारे साथ में विद फैमिलीज ये शो देखते हैं लोग, और कोई भी हैंड रेज ना करे ताकि किसी को भी जो स्पीकर बात कर रहा होता है उसको वो हैंड रेज ब्लिंक होते रहता है। तो प्लीज हैंड रेज भी ना करे क्योंकि ये क्वेश्चन आंसर सेशन नहीं रहेगा आपका। आपको अलग अलग चीजों में अवेयरनेस लाने के लिए, जागृति लाने के लिए हम ये कोशिश में रहते हैं कि आप तक अलग अलग सब्जेक्ट्स, अलग अलग विषय पे हम बात करें और अलग अलग विषय को लेके हम आप तक पहुंचते हैं। फिर से आज एक बार त्रिवेणी संगम लेके आए हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं आज आमंत्रित करना चाहती हूँ अर्चना जी को। अर्चना जी यवतमाल से है, आईटी बैकग्राउंड से है। बहुत बार हमें उनके बारे में उन्होंने बहुत सारी चीजों में हमें हेल्प किया है। अनूप और अर्चना हमेशा कोशिश करते हैं कि आईटी फील्ड से कोई ना कोई इंफॉर्मेशन हम तक पहुंचे, नॉलेज हम तक पहुंचे। तो आज फिर से एक अलग टॉपिक लेके हम यहाँ पे अर्चना जी को हम यहाँ पे आमंत्रित करना चाहते हैं। अभी अगर आपने रिसेंटली कोई वेबिनार्स हमारे जो एस सर बोले थे लास्ट, अभी जो थर्सडे को वेबिनार हुआ था, अगर उसमें आपने सुना था डोमेन और सब डोमेन, तो बहुत सारे लोग हमारे पास ऐसे हैं जिनको ये बातें क्या है ये समझ में नहीं आता है। तो ये हमारी कोशिश रहेगी कि आप तक सही जानकारी पहुंचे, इसीलिए हम ये अलग अलग सेशंस लेके आपके सामने आ रहे हैं। तो आज मैं यहाँ पे आमंत्रित करना चाहती हूँ अर्चना गवांडे जी को। अर्चना जी प्लीज आइए, आपका स्वागत है। और आपका जो विषय है उस विषय पे आप बिल्कुल आज बहुत सारे लोगों को क्लियर अपडेटेड नॉलेज मिलेगा और उसकी पूरी जानकारी मिलेगी ये हम उम्मीद रखते हैं। तो आपका स्वागत है, प्लीज आइए, वेलकम। थैंक यू वेरी मच योगिनी मैम। मैं अर्चना गावंडे, आप सभी जितने पार्टिसिपेंट्स इस वेबिनार से जुड़े हैं उनका, और पैनलिस्ट जो हमारे बीच यहाँ पे मौजूद है, आदरणीय कौशिक सर, ममता मैम, योगिनी मैम, पल्लवी मैम, मैं सभी लोगों का बहुत बहुत हार्टी वेलकम करती हूँ, नमस्कार करती हूँ। और सबसे पहली बात तो आज हमारा त्रिवेणी का ये थर्ड प्रोग्राम है, और थर्ड प्रोग्राम सक्सेसफुली, जो पहले इसके दो थे वो सक्सेसफुली हुए। हम लोग जो चाहते थे उसमें सफल हुए, एंड इट कुडन्ट बी पॉसिबल बिकॉज ऑफ योगिनी मैम, जो कि हम लोगों के बीच एज अ होस्ट करके हमेशा से अपना बेहतरीन किरदार निभाते आई है। सो आज भी मैं उन्हें, अब त्रिवेणी तो हम लोग बोल सकते हैं बट योगिनी मैम के अलावा हम कुछ भी नहीं कर सकते। सो थैंक यू वेरी मच योगिनी मैम फॉर बीइंग विद अस एज होस्ट एंड एज मेंटर ऑल्सो। सो आज का जो हमारा ये जो विषय है, एक्चुअली हम त्रिवेणी का हमेशा से ये पर्पस रहा है कि हम तीनों हमेशा से अपने अपने अलग अलग व्यूज आप लोगों के साथ शेयर करें। और ये सारी चीजें कहीं ना कहीं ऑन पैसेज से ही रिलेट की गई है, टेक्निकली रिलेट की गई है, और हम लोगों का पर्पस यही रहता है कि आप लोग निगेटिव वे में ना जाते हुए एक पॉजिटिव वे में टेक्निकली सोचे कि ऑन पैसिव कहाँ से कहाँ तक जाने वाला है। बस यही हम लोगों का प्रयास हमेशा से रहता है। और आज का जो हमारा टॉपिक है, आई मीन जो मेरा टॉपिक है, वो सब डोमेन एंड डोमेन है। और जबकि ममता मैम और हमारी पल्लवी मैम जो अलग अलग टॉपिक्स के साथ आज लाने आने वाली है साथ में, तो मैं आप सभी से अनुरोध करूंगी कि आप लोग कृपया करके इसे ध्यान पूर्वक सुने और अपना हैंड रेज ना करें। और जैसे कि अभी अभी मैम ने इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, सो प्लीज काइंडली फॉलो दैट ऑल। और चले अभी चलते हैं हमारे टॉपिक की ओर। जैसे है डोमेन और सब डोमेन की बात हमने की है, सो उसके पहले मैं आप लोगों को जरा एक वास्तविकता बताना चाहूंगी जो कि हम लोग हमेशा से बोलते आए हैं और आप सभी लोगों को पता है कि करंटली क्या चल रहा है मार्केट का ट्रेंड क्या है। हमेशा से हम ट्रेंड के बारे में बात करते हैं और जो ट्रेंड के साथ चलता है वही हमेशा से सक्सेसफुल होता है, ये मानना भी है और यही चीज एक्चुअली है भी। सो
सो ट्रेंड आज हमारा ऑनलाइन है, ये सभी लोगों को पता है, बट ऑनलाइन ट्रेंड में भी वही चीज है कि ऑनलाइन कहाँ से स्टार्ट करें और कैसे स्टार्ट करें, बहुत से क्वेश्चंस माइंड में होते हैं. सो यहाँ पर जो डोमेन की बात की है, सो ये डोमेन एक हमारी प्राइमरी बोल सकती हूँ या फर्स्ट स्टेज बोल सकती हूँ मैं हमारे ऑनलाइन सेटअप की. सो डोमेन क्या होता है फ्रेंड्स, जैसे कि आप कोई बिजनेस करना चाह रहे हो, ऑफलाइन बिजनेस करना चाह रहे हो, तो आप पहले उस जगह के बारे में सोचोगे, आप वो लोकेशन के बारे में सोचोगे जहां पर आपको अपना सेटअप करना होता है. वो लोकेशन, वो जगह एक बार आपको मिलने के बाद आप उस जगह को मतलब कौन सा बिजनेस आपको डालना है और उसे क्या नाम देना है, ये आपकी दूसरी और तीसरी प्रायोरिटी रहती है. उसी तरीके से हम लोग भी जब ऑनलाइन हम लोग अपना काम या अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले जो हम लोगों का काम होता है उसका उसको बोलते हैं हम डोमेन परचेज करना. डोमेन मतलब हमारे वेबसाइट को हमको नाम देना होता है, और जो जगह लगती है उसे कहते हैं हम होस्टिंग, और उस जगह के लिए हम लोगों को गूगल को रेंट पे करना पड़ता है, जिसको हम होस्टिंग कहते हैं, जिसे जनरल भाषा में हम रेंट कहते हैं, जिसे जगह की अगर किराए पर अगर हमने कुछ लिया है तो उसको हम रेंट पे करते हैं, रेंटल पे करते हैं. उसी तरीके से यहाँ पर जो भी वेब होस्टिंग कंपनीज रहती है उन लोगों को हमें रेंटल पे करना पड़ता है, ताकि हम लोगों के जो भी इंफॉर्मेशन है, वेब इंफॉर्मेशन है, वो गूगल के ऊपर स्टोर रहे, उसके लिए हमें रेंटल देना होता है, तो उसे हम होस्टिंग कहते हैं. और डोमेन मतलब हमारा नाम, हमारे वो हक की जगह जहां पर हमारा अथॉरिटी रहता है, हम जो चाहे जैसी चाहे वेबसाइट हम यूजर को दे सकते हैं, जो चाहे इंफॉर्मेशन हम यूजर को दे सकते हैं. इट्स ऑल डिपेंडेंट अपॉन अस कि हम लोगों को यूजर को क्या देना है या हमें कौन सा बिजनेस करना है. तो ये बात होगी फ्रेंड डोमेन की. और सबसे पहली बात तो ये डोमेन तो था नहीं, पहले तो सारी जो वेबसाइट्स को एक्सेसिंग किया जाता था वो यूआरएल की मदद से किया जाता था, यूनिफाइड रिसोर्स लोकेटर जिसको कहते थे. बहुत लंबा चौड़ा एक न्यूमेरिक डिजिटल फॉर्म में वो सारी चीजें रहती थी, 9-10 डिजिट्स को हमको याद रखना बहुत मुश्किल होता था. उसके बाद में ये डोमेन नेम सिस्टम आया. डोमेन नेम सिस्टम से क्या हुआ, बहुत सारी चीजें इजी हो गई, और वो जो न्यूमरिक फॉर्म, लॉन्ग न्यूमरिक फॉर्म ऑफ एड्रेस को कन्वर्ट किया गया डोमेन में, एक सिंपल शॉर्ट नेम में, जिसको हम कहते हैं डोमेन. अब हम ऑन पैसिव पर आते हैं. हम लोगों के पास जो है वो www.onpassive.com, ये हमारा रूट डोमेन है, जिसे हम कहते हैं मेन डोमेन है हम लोगों का. सब डोमेन पे आने के पहले मैं डोमेन क्या है वो आप लोगों को यहाँ बता रही हूँ. onpassive.com ये जो हमारी रूट वेबसाइट है इसको कहते हैं हम डोमेन, ठीक है. अब सब डोमेन क्या होता है, जैसे हम हमेशा से हमारे वेबिनार्स में कहते हैं कि onpassive क्या है, onpassive टूल्स ला रही है मार्केट में, ठीक है. तो ये टूल्स क्या है, टूल्स भी एक फॉर्म ऑफ वेबसाइट ही है, जैसे ओब्लेस की बात करती हूँ मैं, ठीक है. तो ये ओब्लेस भी एक वेबसाइट है, ओ ट्रैकर भी एक वेबसाइट है, और जितने भी टूल्स है, ओ क्रिएट हो गया, ओ पियर हो गया, ओ वॉलेट हो गया, ओ स्टाफ, ओ काउंटिंग, जितने भी टूल्स है दे ऑल आर इन फॉर्म ऑफ वेबसाइट, ठीक है. तो उसका एक्सेसिंग हम एक वेबसाइट के तौर पर करेंगे, लेकिन उसका नेमिंग कुछ अलग रहेगा. अब वो नेमिंग कैसे रहेगा, जैसे ओब्लेस का एग्जांपल देती हूँ मैं, ओब्लेस.onpassive.com. तो ये हो गई सब डोमेन, ओब्लेस हो गया सब डोमेन. अब ये कैसे होता है, देखिए जैसे कि हमारा onpassive.com है, जैसे कि हम वो पेज पर जाते हैं वहां पर कनेक्ट टू सब डोमेन का ऑप्शन आता है. तो कनेक्ट पर अगर हम क्लिक करते हैं तो जैसे नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं तो वहां ऑप्शन आता है हम लोगों को कि आपको सब डोमेन अगर कुछ बनाना है तो वहां पर आप बना सकते हो. सो इसी तरीके से सारी चीजें होने वाली है फ्रेंड्स. सो obless.onpassive.com, तो ओब्लेस हो गया उसका सब डोमेन. उसके बाद oconnect.onpassive.com, oconnect हो गया उसका सब डोमेन. owallet.onpassive.com, वो हो गया उसका सब डोमेन. सब डोमेन मीन्स क्या, कि ऐसा डोमेन जो कि पूरी तरीके से अलग रहने वाला है रूट डोमेन से,
मतलब जो डोमेन है हमारा उससे बिल्कुल डिफरेंट रहने वाला है, सब डोमेन इंफॉर्मेशन दोनों वेबसाइट्स पर डिफरेंट रहने वाली है, तो इसका फायदा कैसे होगा? देखिए, हम लोगों का पहला टारगेट रहता है ऑनलाइन बिजनेस में टारगेटेड ट्रैफिक को टारगेट करना, ठीक है? ऑर्गेनिक ट्रैफिक हमारे वेबसाइट पर आना चाहिए, ये एक मेन पर्पस रहता है कोई भी बिजनेस पर्सन का, अगर वो ऑनलाइन काम कर रहा है तो। यहाँ पर क्या होगा, सपोज कर लीजिए फ्रेंड्स कि मैंने ओब्लस्क का यूज किया है, ठीक है, और ओब्लस्क यूज किया, मुझे वो वेबसाइट बहुत पसंद आई, मैंने नीचे 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 स्क्रॉल डाउन किया, तो ऑन पैसिव ने क्या किया है, ऑन पैसिव ने जो मेन डोमेन है www.onpassive.com उसकी लिंक वहां पर पेस्ट कर दी है नीचे कि इफ यू लाइक ओब्लस्क यू कैन गो फॉर अनदर टूल्स एज वेल, सो गो फॉर लॉगिंग टू www.onpassive.com। अगर आपको ये ओब्लस पसंद है तो इसी तरीके से बहुत सारी वेबसाइट्स हैं हम लोगों की, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप इस पर लॉगिन कीजिए, तो वो ऑप्शन अगर दिखता है, और अगर मैं onpassive.com पे चली जाती हूँ तो मुझे बहुत सारे अनदर वेबसाइट्स भी वहां मिलेगी, तो मैं वहां पर सर्च करूंगी तो होगा क्या, ओब्लस के लिए तो ट्रैफिक मिल गया onpassive को मेरे जरिए, ठीक है, उसके बाद मैं रूट जो है onpassive.com की जो वेबसाइट में वहां पर भी चली गई क्योंकि बैकलिंक शेयर की गई थी रूट डोमेन की, मैं वहां पर चली गई, वहां पर भी एक ट्रैफिक काउंट किया गया मेरे नाम का। उसके बाद अगर मैंने वो ट्रैकर पर क्लिक किया, मुझे अच्छा लगा, तो वहां पर भी, मतलब एक यूजर आ रहा है एक वेबसाइट के लिए, और बैकलिंक शेयरिंग से क्या हो रहा है, बैकलिंक शेयरिंग से मजबूती मिल गई है हमारे मेन डोमेन को, जो हमारा मेन डोमेन है, मतलब सब डोमेन से क्या हो रहा है, सब डोमेन से जो एक कंज्यूमर आ रहा है वो कंज्यूमर डाइवर्ट हो रहा है अनादर वेबसाइट पर भी, आइदर वो सब डोमेन्स रहे या मेन डोमेन रहे। तो पर्पस क्या है कंपनी का, कि जितना हो सके उतना ज्यादा से ज्यादा ट्रैफिक onpassive को मिले। अब मैं सेकेंड एग्जाम्पल देती हूँ आपको कि ओ फाउंडर है एक पार्ट हमारे onpassive का, ठीक है, वो भी एक onpassive की वेबसाइट है, उसके बाद में हमारे ऑफिशियल ब्लॉग्स भी है onpassive के, ठीक है, सो ये कहीं ना कहीं दोनों कनेक्शन में है। देखिए onpassive.com तो ये हो गया हमारा मेन डोमेन और ओ फाउंडर हो गया अलग, लेकिन आने वाले दिनों में क्या होगा, जब टूल्स जब सारी चीजें लॉन्च हो जाएगी तो ओ फाउंडर नहीं रहेगा, ये मर्ज हो जाएगा onpassive में। सो onpassive में अगर मर्ज हो जाता है, सारी चीजें मर्ज हो जाती है और किसी को ब्लॉग्स पढ़ना है onpassive के, तो ब्लॉग्स का सेक्शन अलग रहेगा, वो रहेगा blog.onpassive.com, तो आप वो वेबसाइट पर जाके ब्लॉग पढ़े, कहीं ना कहीं वो onpassive.com के नीचे ही आएगा क्योंकि वो सब डोमेन है ब्लॉग, ठीक है, अनदर पार्ट है onpassive का। उसके बाद वेबसाइट्स रहेगी, वो भी सब डोमेन्स में ही कन्वर्टेड रहेगी। उसके बाद सपोर्ट सिस्टम का है, बहुत सारे FAQs ऐसे आते हैं जो कि पेंडिंग रहते हैं, सपोर्ट टीम हैंडल नहीं कर पाती है या फिर पेंडिंग में चले जाते हैं तो उस पर ध्यान नहीं जाता, सो उस टाइम पे क्या करती है बड़ी बड़ी कंपनियां कि एक अपना सब डोमेन बना लेती है सपोर्ट के नाम से, लाइक support.onpassive.com, ठीक है, तो ये सपोर्ट की वेबसाइट क्या करेगी, सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट के ही जितने सारी क्वेरीज आती है उसे ही हैंडल करेगी, मतलब कि हर एक चीज अलग अलग सेक्शन में डिवाइड की गई है, लेकिन ये जो अलग अलग वेबसाइट्स है इनकी इंफॉर्मेशन पूरी डिफरेंट रहती है मेन डोमेन से, बट कहीं ना कहीं कनेक्टेड रहती है। और जैसे कि मैंने अभी अभी कहा कि हम लोग बैकलिंक शेयर करते हैं, बैकलिंक शेयरिंग से क्या हो रहा है, बैकलिंक शेयरिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है अगर आप ऑनलाइन काम कर रहे हो तो, ये एक दूसरे को बैकलिंक शेयरिंग मतलब एक दूसरे को सपोर्ट करना, एक दूसरे टॉपिक को सपोर्ट करना, मतलब कोई एक टॉपिक पढ़ रहा है और बैकलिंक अगर उसमें दिख रही है, इंटरेस्टेड है वो बंदा, तो वो टॉपिक भी वो पढ़ लेगा, दैट मींस कि वो एक के साथ दोनों के लिए ट्रैफिक क्रिएट कर रहा है, और ये सारी चीजें ऑर्गेनिक है। सो onpassive क्या कर रही है, onpassive भी यही सारी चीजें करेगी, और अभी भी फिलहाल वही चीजें हो रही है, onpassive के ब्लॉग्स है, ओफाउंडर्स है, ये डिफरेंट वेबसाइट्स की जो भी अर्निंग्स हो रही है, ऑर्गेनिकली जो भी अर्निंग्स हो रही है उसका डायरेक्टली बेनिफिट जा रहा है onpassive.com को, ठीक है।
और आने वाले दिनों में भी यही चीजें होंगी। सो इनडायरेक्टली ऐश सर का यही हम लोगों का कहना है, ऐश सर ने यही कहा हम लोगों को कि सब डोमेन्स और डोमेन्स कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है आने वाले दिनों। उसके बाद में हम लोग हमेशा से ये कहते आए हैं हमारे वेबिनार्स में कि हम लोगों के नाम की भी वेबसाइट बनी, तो वो वेबसाइट कैसे बनेगी, लाइक archanagavande.onpassive.com, तो वो भी एक पार्ट हो गया, दैट इज ऑल्सो अ सब डोमेन जो कि कहीं ना कहीं मेन डोमेन रूट डोमेन से कहीं ना कहीं वो भी कनेक्टेड है। वहां पर हमारे परचेस टूल्स रहेंगे, ऑटो पायलट मोड पर सारे ट्रैफिक वहां पर आएगा और वो वेबसाइट्स वहां से यूज में आएगी। सो ये जो हमारे नाम की वेबसाइट्स जो भी बनने वाली है उसका पर्पस क्या है कि हम लोगों का जितना ट्रैफिक आ रहा है उतना पार्ट ऑफ कमीशन हम लोगों के वॉलेट में जनरेट करने के लिए हम लोगों का भी एक सब डोमेन बनने वाला है, सिंपल एंड शॉर्ट। तो सोचिए फ्रेंड्स, यहाँ पे डोमेन एक रहने वाला है और सब डोमेन्स कितने रहने वाले हैं। ऑफिशियली देखा जाए तो एक ब्लॉग का डोमेन रहेगा, एक सपोर्ट का डोमेन रहेगा, जितने भी टूल्स है हम लोगों के उतने डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट्स के भी सब डोमेन्स रहेंगे, और जो फिलहाल एज ए कस्टमर सपोर्ट बिल्डअप किया गया है ऑन पैसिव के द्वारा 12 लाख फाउंडर्स जो भी है उनके नाम के भी सब डोमेन्स बनेंगे। सो कहीं ना कहीं क्या होगा कि इसका टोटल जो बेनिफिट है एज अ ऑर्गेनिक ट्रैफिक जिसको मैं कहूंगी उसका डायरेक्टली बेनिफिट कंपनी को होगा और इनडायरेक्टली वो कहीं ना कहीं हमारे थ्रू होने वाला है। सो यही सारी चीजें है फ्रेंड्स जो ऑनलाइन होती है और जो ऑन पैसिव भी करने वाली है अपने साथ। और सबसे पहली बात तो जैसे मैंने पहले ही कहा कि टारगेटेड ट्रैफिक, हम लोगों का पर्पस पर्सपेक्टिव ही वो है कि हम ट्रैफिक को ही टारगेट करें हमारे वेबसाइट्स के लिए। सो अभी अभी जैसे मैंने कहा कि बैकलिंक शेयरिंग से कहाँ का टॉपिक किससे रिलेट अगर हम करते हैं, सो एक अगर कंज्यूमर आ रहा है तो वो इनडायरेक्टली 2 या 3 वेबसाइट्स पर भी सर्व करके वो सारी चीजों को पढ़ सकता है, ले सकता है, और कहाँ से कैसा ट्रैफिक हम गेन करेंगे इसकी कोई आइडिया ही नहीं है, क्योंकि ये सारी चीजें तो अभी तो मैनुअल हो रही है, सारी डिजिटली सारी चीजों को हम लोग ऑपरेट कर रहे हैं, बिकॉज आने वाले दिनों में ये चेंज होने वाला है और AI आने वाला है, तो AI आने के बाद सारी चीजें ऑटोमेटिकली होगी, तो जो डुप्लीकेशन होगा मल्टीप्लीकेशन जो होगा वो कितने फास्ट होगा रैपिडली होगा उसका हम लोग अभी फिलहाल तो कोई अंदाजा ही नहीं लगा सकते। बट एक्चुअल क्या है, चीजें क्या है, ये मैंने छोटा सा प्रयास किया है मेरी तरफ से आप लोगों को सब चीजों को एक्सप्लेन करने का, होपफुली आई थिंक आप लोग समझ चुके होंगे। सो ज्यादा समय ना लेते हुए मैं हमारे योगिनी मैम को रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज मैम आप आए एंड आगे के प्रोसीडिंग के लिए स्टेज को मैं आपको सौंपती हूँ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू अर्चना, थैंक यू सो मच। छोटी छोटी चीजें भी बहुत मायने रखते हैं आज हमें अपडेट के लिए और नॉलेज लेने के लिए, तो लोगों को बहुत सारा पिक्चर क्लियर हो गया होगा कि डोमेन और सब डोमेन डोमेन किस तरह से हमें बेनिफिशियल हो सकता है। आगे जाके हम अभी इनवाइट करना चाहते हैं हमारी पल्लवी जी को, तो पल्लवी जी जो है वो आज उनके बारे में कोई नहीं जानता है, ऐसे नहीं है, बहुत सारे लोग उनको जानते हैं, मगर फिर भी आज मैं यहाँ पे इनवाइट करना चाहती हूँ पल्लवी को। पल्लवी कोलकाता से है और अगेन आईटी फील्ड में ही का बैकग्राउंड है उनका और AI भी स्पेशलाइज्ड है, तो बहुत सारी चीजें अलग अलग माध्यम से हमें उनसे सुनने के लिए मिलता है, तो आज फिर से हम उनसे सुनेंगे। तो पल्लवी जी आइए और आपका स्वागत है। थैंक यू योगिनी जी मुझे यहाँ पे इनवाइट करने के लिए, और आज का सेशन जैसे ऑलरेडी अर्चना दीदी ने बोल दिया है तो मैं और ज्यादा नहीं बोलती हूँ, सीधे डायरेक्टली टॉपिक पे आती हूँ, क्योंकि जब नॉलेज प्रोसेस होता है या फिर नॉलेज के ऊपर ज्यादा बात किया जाता है, ब्रेनस्टॉर्मिंग होता है, तो उस जगह को ज्यादा डायरेक्टली
टॉपिक पे बात करना ज्यादा बेहतर होगा। तो ऑलरेडी अर्चना ने बहुत अच्छे से बोल दिया है कि किस तरीके से हम लोग एक डिजिटल डोमेन के अंदर इंटीग्रेट हो मतलब होने के लिए जा रहे हैं, एक इंटीग्रेशन हम लोगों को दिया जा रहा है। और जो ऑन पैसिव के फील्ड में से सारे, जैसे कि आप सबको पता है कि 50 से ज्यादा टूल्स है हम लोगों के पास, डिफरेंट टाइप का प्रोडक्ट है और एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है ऑन पैसिव हम सबको दे रहा है। ये हम लोग हर दिन सुनते हैं, हम लोगों को ये पता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ ये आ रहा है। तो अल्टीमेट प्रोसेस पे, अल्टीमेट जगह पे जो है कि एक जो एक डिजिटल डोमिनेंस जिसे बोलते हैं ना, हम सभी लोग इस चीज को अभी पिछले 1.5-2 साल से बहुत डेली लाइफ का एक पार्ट बन गया है हम लोगों का, मोटा माटी हम लोग इस तरीके से इसको देखे तो। तो ऑन पैसिव तो हम सबके बहुत करीब है, लेकिन एक जो डिजिटल प्लेटफॉर्म आपके आपके हर दिन का 2-3 घंटा 4 घंटा का आपका एक कंप्लीट आपका डेली रूटीन बन गया है, उसके अंदर आपको जाने का या फिर बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म को आपको इस्तेमाल करने का, ये सारी चीजें हो गया है। और यही अल्टीमेट है जो कि एक इंटायर एक आपके पास का एनवायरमेंट इस तरीके का बना दिया जा गया है कि आप हर एक चीज आज के दिन में अगर आप टेक सभी या फिर आप टेक्निकल चीजों को पसंद करते हो तो आप उसके अंदर ही चले जाना ज्यादा पसंद करते हो, या फिर ऑनलाइन घूमना, ऑनलाइन उसको सर्च करना आप ज्यादा पसंद करते हो। तो इसी चीज को एकदम बेस लेवल पे और बिजनेस के नजरिए से अगर देखा जाए तो इसी टेक्नोलॉजी को, इसी आपका एक डिजिटल मतलब पसंदीदा चीजों को, या तो फिर आप एक चीज को बोल सकते हो कि आपका ऑनलाइन रहना काफी सारे लोगों को एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी का एक जगह दिखाया है, एक प्लेटफॉर्म बनाने का सोच दिया है, एक मेंटेलिटी देके रखा है, और कहीं ना कहीं ऑन पैसिव हमें उस चीज को ऑलरेडी बना बनाया दे रहा है। तो इसी चीज को बिजनेस, लेट्स टॉक अबाउट कि टेक्नोलॉजी जो है बहुत एक वास्ट बिजनेस एरिया को कवर करता है, और इसे एक अपॉर्चुनिटी की तरह बिजनेस प्लेटफॉर्म हर एक कंपनी जो है इस पे कूद जा रहा है और हर एक नए नए टेक्नोलॉजी को एब्जॉर्ब कर रहा है, अडॉप्ट कर रहा है और अपनी तरफ से उसको अलग तरीके से कस्टमाइज करके हर एक यूजर को कस्टमर बना रहा है, उसके आगे रख रहा है, द अल्टीमेट फैक्ट। तो इसी चीज को एकदम लॉयल तरीके से, एकदम रियल तरीके से अगर आपको एक ट्रांसपेरेंट मोड पे दिया जाए, डायरेक्ट आपको प्रोवाइड किया जाए तो कैसा रहेगा? मतलब हम सबको पता है ऑन पैसिव बहुत अच्छे तरीके से हमें एक ऑफर देता है कि आप B2B मोड पे, B2C मोड पे, आप C2C मोड पे अपने बिजनेस को रन करवाओ। मतलब आप खुद एक कस्टमर हो, आप दूसरे को कस्टमर का एक जगह बना के दे सकते हो, आप खुद, आपके पास खुद का एक बिजनेस है, आपके पास कस्टमर चाहिए, आप ट्रैफिक ले और अपना जो है बिजनेस को ग्रोथ करो। आपके पास बिजनेस है, आप दूसरों को आपका उनका बिजनेस ग्रोथ कराने का अपॉर्चुनिटी देना चाहते हो, B2B मोड पे आप जाना चाहते हो, आप आओ, इसके तरीके की चीजें हम लोगों के पास है, क्योंकि प्रोडक्ट्स है, ये सारी चीजें हम लोगों को पता है। लेकिन अभी के दौर में पिछले 6 महीने अगर देखा जाए तो लोगों के अंदर ये B2B मोड में भी चेंजेस आए हैं, ऐसे ऐसे चेंजेस आए हैं जहां पे लोग जो है जैसे ही इसके अंदर टेक्नोलॉजी और अपग्रेड होते चले गए, एल्गोरिदम्स और अच्छे से इंप्लीमेंट होना चालू हो गया, लोगों के अंदर जो है सजेशन बहुत आने लगे, लोग, हम लोगों को पता था कि डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटीज के साथ जैसे ही AI हम लोगों के पास आए तो वो हमें असिस्ट कर रहा है, हमें वो हेल्प कर रहा है मेरे खुद के काम को और आसान तरीके से और अच्छे तरीके से, मैं स्पीड भी अच्छे तरीके से मैं मतलब गेन कर पाऊं, मेरा स्पीड आगे जा रहा है, मेरा जो है काम करने का जितने सारे चीज मुझे जो 2 घंटा लगता था वो मैं आधे घंटे में कर रही हूँ, क्योंकि मेरा आधे का डेली बेसिस का काम जो है वो AI करके दे रहा है मुझे। इस चीज पे भी बहुत ज्यादा जो है चेंजेस हुआ है और लोग अभी तो बीच में जितने सारे जो है ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को वो अभी इतने थर्ड पार्टी के अंदर जाना पसंद नहीं कर रहे। तो इसके अंदर इस जगह से जो चेंजेस आए हैं ना, इस चेंजेस को किस तरीके से लोग एडॉप्ट कर रहे हैं, किस तरीके से इसको लोग देख रहे हैं, लोगों के अंदर वो चीजें है कि हाँ मुझे टेक्नोलॉजी समझ में आ रहा है, मुझे पता है मेरा बिजनेस मुझे कैसे गेन करना है, तो फिर मैं वो अल्टीमेट चीजों को, मेरे पास अगर वो प्लेटफॉर्म ना हो,
मोटा माटी देखा जाए तो आज के डेट में ऑनपैसिव जो है ऑफर कर रहा है हर एक छोटे स्मॉल और मीडियम साइज बिजनेस को एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म ऑफर कर रहा है, ग्लोबल मार्केट से कनेक्ट करने का एक ऑफर कर रहा है और हर एक एंटरप्रेन्योर्स को एक ऑफर दे रहा है कि आपके पास बिजनेस है, आप बस यहाँ पे बैठो और अपने बिजनेस को बस चलाओ और कुछ आपको करना नहीं है। यहीं से इसी विजन को, इसीलिए ऑन पैसिव को ना बहुत ज्यादा विजनरी बोला जाता है क्योंकि इसी जगह से उसने एक वही पिछले 6 महीने से जो ज्यादा हिट हुआ है उसी चीज को उसने टारगेट कर लिया और वो है D2C बिजनेस, जिसे डायरेक्टली बोलते हैं कि ये फॉर्मेट जो है ना वो अल्टीमेट है, मतलब डायरेक्ट टू द कंज्यूमर को वो पहुंचा रहा है, अपना बेनिफिट वो डायरेक्ट टू द कंज्यूमर तक पहुंचा रहा है कि आपने बिजनेस को अपने घर से चालू किया है, आपके ऑफिस से चालू किया है, आपके बिजनेस के लिए अलग से कोई जगह है, आप कोई कारखाना में कोई प्रोडक्ट बना रहे हो उसको आप डायरेक्ट अपने कस्टमर तक पहुंचाओ, इसके लिए बीच में किसी को भी आपको रेवेन्यू देने की जरूरत नहीं है। ये फॉर्मेट ऑन पैसिव ने बहुत अच्छे से हम लोगों के आगे रख दिया। सच बोलू तो हर एक फाउंडर को इतने अच्छे तरीके से वो पता भी नहीं है और ये मेन फॉर्मेट है जहां से बहुत सारे स्टार्टअप जो है बहुत फास्ट तरीके से 6 महीने में 1 साल में बहुत अच्छा खासा रेवेन्यू कमा लिया है, चाहे उसका जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट बहुत कम क्यों ना हो। बहुत कम मतलब आप इतना भी समझ सकते हो कि एक फाउंडरशिप लेने का हम लोगों को जितना पेमेंट करने को मिलता है, अगर उसका वो ही पैसा, ठीक है, अगर वो पेमेंट करता है, इन्वेस्ट करता है अपने बिजनेस में, तो वो गेन कर रहा है लाखों में या करोड़ों में। तो ये फॉर्मेट बन गया है। इसी चीज को, इसी अपॉर्चुनिटीज को बहुत सारे लोगों ने बहुत बेहतरीन ढंग से उठाया है और डेफिनेटली ऑन पैसिव ने भी हम लोगों के पास रखा है। तो आज मैं आप लोगों को इसी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के बारे में थोड़ा बताना पसंद करूंगी और डायरेक्ट टू कंज्यूमर किस तरीके से बहुत ज्यादा जिस पे आपको रेवेन्यू, आपका एंटायर डिटेल्स जो है बहुत अच्छे से आप कर सकते हो और लोगों को कम से कम पैसों में वो बेहतरीन प्रोडक्ट, आप अपने प्रोडक्ट पे ज्यादा काम कर सकते हो, उसको ज्यादा बेहतर बना सकते हो, ताकि कि ये सारे बाकी के चीजों में, मतलब कि प्रमोशनल चीजों चीजें जो है वो ज्यादा पैसे खा जाती है अगर आप प्रोडक्ट पे ज्यादा कंसंट्रेट करो। क्योंकि अल्टीमेट देखिए ना, ऑन पैसिव तो हम लोगों को वो इसी तरीके से प्रमोट कर रहे हैं ना, तो हमें तो कोई जरूरत नहीं है एक्स्ट्रा लेवल इन्वेस्टमेंट की प्रमोशन की तरफ। तो इसी फील्ड को आज मैं जो है आप लोगों के आगे रखना चाहती हूँ। तो चलिए, अगर D2C मोड पे आप और मैं आ जाते हैं तो क्या हो जाता है, बड़े बड़े इंडस्ट्री में जो इतने बेहतरीन अपने टीम्स, अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम को बना बनाया रखा है ना, वो एक झटके में हम लोग जीरो कर सकते हैं। और भले ही हो सकता है कि वो उस लेवल पे काम करे, वो एक फिजिकल मार्केट को भी टारगेट करे, एक ऑनलाइन डिजिटल मार्केट को भी टारगेट करे, लेकिन लोग जो है डिजिटल ऐसे ऐसे कंपनीज का नाम है आने वाले टाइम पे इंडिया में डेवलप हुए हैं जिसके शायद प्रोडक्ट आपके पास अभी है, आप शायद अभी इसको इस्तेमाल कर रहे हो, ठीक है, ऐसे ऐसे ऑलरेडी बन गए हैं, ऐसे ऐसे जगह ऑलरेडी बन गए हैं कि आप, और उन्होंने जिस तरीके से अपने आप को डेवलप किया है, जिस तरीके से अपने आप को रखा है, आने वाले टाइम पे हर एक फाउंडर का उसी तरीके का एक ब्रांड बन सकता है। इसीलिए ऑन पैसिव हमें एक एज अ ब्रांड बना रहा है, हमें एक एज अ अपना बिजनेस को मैं ऑन पैसिव के प्लेटफॉर्म के जरिए वो ब्रांड बना सकती हूँ। तो इसी के साथ साथ क्या होता है कि बहुत जो कंट्रोल होता है ना आपके प्रोडक्ट के अंदर, आपके डेवलपमेंट के अंदर, वो आप ही के पास होता है। एंटायर जो मार्जिन होता है वो करीब 80-20 का डिफरेंस आप कर सकते हो, 80% मार्जिन आप खुद अपने पास इसको मेन कर सकते हो क्योंकि कोई मिडिल मैन का जगह नहीं है, तो मोर प्रॉफिट आप इसको गेन कर सकते हो और आपका जो गेनिंग एक्सेस होगा वो और ज्यादा टारगेटेड कस्टमर डेटा के ऊपर हो जाएगा। तो आप सोचो कि यहाँ पे ऑलरेडी ओ ट्रैकर उपलब्ध इसीलिए किया जा रहा है, ठीक है। तो मैं साथ में एक एक टूल्स का भी नाम लेने की कोशिश करूंगा जो आपको और अच्छे से समझने में आसान रहेगा। तो हर एक टारगेटेड कस्टमर का डेटा अगर आपके पास हो तो आपको समझ में आएगा कि आपके प्रोडक्ट के अंदर कौन से कस्टमर का जो है ज्यादा इंटरेस्ट गेन हुआ है, उसने सबसे ज्यादा आपके वेबसाइट पे आके अपना टाइम स्पेंड किया है। यू कैन डायरेक्टली, मतलब आप डायरेक्टली उसको अप्रोच कर सकते हो, आप उसको बोल सकते हो कि आप आओ एंड दिस काइंड ऑफ थिंग्स मेरे पास है, यू कैन बाय, और आप इसको ले सकते हो या तो फिर आप इसको देख सकते हो। तो ये सारे एक पर्सनलाइज, और उसके साथ साथ क्या चीज है
अगर कस्टमर आपको आके बोलता है कि देखिए मुझे आपका ये प्रोडक्ट बहुत पसंद आया, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मुझे ये प्रोडक्ट इस तरीके से चाहिए या फिर ऐसे कस्टमाइज तरीके से चाहिए, तो ये भी कस्टमाइज आप डायरेक्टली अपने कस्टमर को प्रोवाइड करके कर सकते हो। अगर मिडिल मैन होता तो क्या ये पॉसिबल था? इसलिए आज लोग जो है ज्यादा ऑनलाइन या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से खरीदना ज्यादा पसंद करते हैं, डायरेक्ट किसी भी कंपनी के वेबसाइट पे जाके खरीदारी करना ज्यादा पसंद कर रहा है। वो घर पे बैठ के घर पे उसका पार्सल डायरेक्टली कंपनी के तरफ से आ रहा है और साथ में बहुत सारे कॉन्ग्रेचुलेशन थैंक यू वाला नोट भी मिल रहा है, जिससे कस्टमर इंटरेक्ट हो जाता है। कस्टमर बहुत ज्यादा पसंद करते हैं कि अगर उस कंपनी का एक भी छोटा सा प्रोडक्ट आपने खरीद लिया, चाहे उसका प्राइसिंग 100 रुपए का या फिर 100 या 150 का हो, उसमें भी वो कंपनी वाले आपको डायरेक्टली बोल रहे हैं कि थैंक यू आपने यहाँ से खरीदारी की, आपको मैं नेक्स्ट एक और कूपन 10% ऑफ का देना पसंद करूंगी, आप इस कोड को इस्तेमाल कीजिए और 10% का लाभ उठाइए। तो बंदा घूम के आता है आपके पास। तो ये जो मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज है, ये सारे चीजें अभी इसलिए लोग जो है बाहर ज्यादा जाना पसंद नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हालत कुछ बाहर का ऐसा हो गया है, लोग यहीं पे ज्यादा बूस्टअप हो रहे हैं। इसलिए आप जो है अपने डेली टाइमिंग का 3 से 4 घंटे वहां पे बिता रहे हो, ठीक है। आपके पास डायरेक्टली QR कोड दिया जा रहा है, आप उसको स्कैन करो और उसको आप डायरेक्टली पेमेंट करो, या फिर प्रोडक्ट का भी QR कोड काफी सारे वेबसाइट्स पे मैं देख रही थी तो उसने बनाया है, और वेबसाइट का बेसिकली QR कोड है, कोई प्रोडक्ट का नहीं है। तो आप सोचिए ऑनपैसिव कितना आगे सोच रहा है, और ट्रीम जो हम लोगों को दिया गया है वो हर एक प्रोडक्ट का हम लोग QR कोड बना सकते हैं, वेबसाइट का तो बना सकते हैं लेकिन प्रोडक्ट का भी QR कोड बना सकते हैं। तो हर एक चीज के ऊपर बहुत अच्छे से वो कंट्रोल वो आपको देता है, और इसी चीज को इसीलिए अगर हम लोग देखे ना तो जो बात करते हैं हम लोग कैब सर्विसेज की, ओला उबेर की, इसके पास अपना कंपनी नहीं है, अपना ऑफिसेस नहीं है, लेकिन वो पूरे दुनिया पे अपना कैब सर्विसेज प्रोवाइड करवाता है। तो ये दिस इज द पावर ऑफ डिजिटल प्लेटफॉर्म कि आप इस चीज को इस तरीके से गेन कर सकते हो। किसी का ऑफिस ना होकर भी आप घर पे बैठ के भी आपका जो बिजनेस को आप करते हो, यहाँ पे मैं नाम लेती हूँ कि दिल की बात का जो सेशन हम लोगों का होता है, वहां पर काफी सारे महिलाएं आते हैं जो अपने अपने बिजनेस के नए नए थॉट्स को शेयर करते हैं, और वो होम मेकर है, हाउसवाइफ है, और अपना बिजनेस भी चला रहे हैं, घर पे बैठ के कर रहे हैं, तो उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी तो है ही। उसके साथ साथ यहाँ पे मौजूद बाकी जो इतने सारे फाउंडर्स हैं उनके लिए भी बहुत ज्यादा एक प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटी इसलिए आने वाले टाइम पे बनने जा रहे हैं। और एस सर ने जिस तरीके से हमें मार्केटिंग कैंपेन के ऊपर बोला है ना, तो ये एक बेस्ट ऑफ द बेस्ट पार्ट है। हम लोग जिस तरीके से इसको पूरा जो है शेयर कर सकते हैं, इसको अपने लिए एक होता है ना कि अपना रेवेन्यू इनकम बहुत ज्यादा हाई हो गया, तो इसको आप बहुत अच्छे से मेंटेन कर सकते हो। तो अल्टीमेट जो है ना हम लोग इसको डायरेक्टली कर रहे हैं, तो इसको अगर इस तरीके से देखें कि PPC जो एडवर्टाइजिंग होता है ना, पेपर क्लिक एडवर्टाइजिंग, या फिर जिसको गूगल एडसेंस और फेसबुक भी करते हैं, एडवर्ड्स भी करते हैं, जिसके ऊपर काफी बार जो है अर्चना जी बहुत अच्छे से बताते रहते हैं, तो ये पूरा ऑलरेडी उन्होंने उनका पिछले वेबिनार पे भी उन्होंने बहुत अच्छे से इसके ऊपर बात की। तो ये इसके साथ साथ कितने सारे हैं, क्वोरा है, ट्विटर है, रेडिट है, इसके ऊपर भी लोग जाते हैं, अपने वेबसाइट्स को डालते हैं, इसका प्रमोशनल इवेंट होते हैं। अगर आप किसी भी चीज को देख रहे हो, कोई भी चीज को आप बोल रहे हो या फिर सर्च कर रहे हो, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के तहत भी हम लोगों के आगे ये सारे मार्केटिंग कैंपेन्स होते हैं। तो ये कहीं ना कहीं हम लोगों ने देखा है, लेकिन उतने गौर से नहीं देखा, उतने अच्छे से नहीं सोचे कि क्या ये ऐसे है, क्या ये ऐसा हो रहा है, कोई भी ऑफर, कोई भी चीज, ये सारे ऑप्शंस जो है आपके आगे देखने को मिल जाता है। और ये एक कस्टमर को और ज्यादा गूम करता है कि अगर आपको एक मतलब मान लीजिए कि कोई भी कपड़ा खरीदना है, कुर्ता खरीदना है, या फिर ऐसा कुछ कुर्ता या फिर टी शर्ट खरीदना है, तो आप अपने पिक्चर लगाना चाहते हो उसपे, आप अपने माँ बाप का पिक्चर वहां पे ऐड करना चाहते हो, या फिर कोई ऐसे ऑप्शन का, या फिर कुछ ऐसे चीज जिसके जो आपके दिमाग में है लेकिन आपके पास वो चीजें नहीं है कि आप एक टी शर्ट बनाओ या फिर ऐसा कुछ बनाओ, कोई आपके पास आप ऐसे भी आपको मिल जाएंगे वेबसाइट जो आपको बोल रहे हैं आपको कैसा चाहिए आप बताइए, हमें हम उस तरीके से पर्सनलाइज करके आपको पहुंचा देंगे 1 हफ्ते में, 2 दिन में या 3 दिन में। तो और
वो आपसे जो चार्ज कर रहा है, जो पैसा ले रहा है ना, वो भी इतना सस्ता पड़ रहा है आपको कि आपको ऐसा लगेगा कि मैं मार्केट से जाके कोई ऐसा टी शर्ट खरीद लूँ या फिर कोई ऐसे कुर्ता खरीद लूँ। तो ये इस तरीके का ऑप्शन हमें मिल रहा है जिसके लिए ज्यादा प्रमोशन या फिर ऐसा कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पे प्रमोशनल इवेंट या फिर कैंपेन अगर मैं बोलूँ ना, तो वो खुद अनपैसिव करके हमें दे रहा है। ओके, तो सारे चीजें क्लियर, बस हमें अपना काम करना है, अपनी चीजों के ऊपर फोकस करना है और हर एक टूल्स को, अनपैसिव का हर एक टूल्स को हमें इस्तेमाल करना आना चाहिए। और मेरे रिक्वायरमेंट जो हो कि मुझे ये रिक्वायरमेंट है, मैं अपने टारगेटेड कस्टमर को इस तरीके से मैं रेवेन्यू के ऊपर जा सकती हूँ, तो मैक्सिमाइज प्रॉफिट के ऊपर भी चले जाएंगे, इजीली चले जाएंगे। और कंप्लीट ये जो ज्यादातर आइडिया होते हैं ना, तो बहुत सारे मैक्सिमम जो फोकस होता है हर एक कंपनी का, वो होता है कि उसके पास ज्यादा से ज्यादा कस्टमर किस तरीके से आए। तो हम लोग जो है डायरेक्टली ट्रैफिक के तरीके से उस चीज को भी क्लिक कर रहे हैं। तो हर एक चीज, मतलब आप सोचिए कि डायरेक्ट टू कंज्यूमर वाला जो कॉन्सेप्ट, जो कैंपेनिंग, ये लास्ट के कुछ सालों में बहुत ज्यादा, मतलब अगर मैं 6 महीने 1 साल का पीछे का धोरू तो पकड़ू तो पूरा हम लोग क्लियर कर रहे हैं। तो ये इंटायर फील्ड को भी ऑन पैसिव कवर अप कर लिया, ऑलरेडी कर लिया, और उसने जो है जिस तरीके से हम लोगों के आगे ओ नेट को रखा है, जहाँ पे हम लोग ये अल्टीमेट इवेंट को बूस्ट कर सकते हैं। और इसे इस पॉइंट से आप देखिए, ठीक है, तो कहीं ना कहीं हम लोगों के जो सीनियर लीडर्स है वो भी इस तरीके से हमें गाइड करते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। कुछ ऐसे चीजें, कुछ ऐसे थॉट्स आप शेयर कीजिए, इसीलिए बोला जाता है। तो मैं बोलूंगी कि आप लोग जो है कि प्रॉपर गाइडेंस के अंदर हो, आपको बस चलते जाना है, जिस तरीके से गाइडलाइन दिया जा रहा है, बोला जा रहा है, उसके ऊपर चलते रहिए। आप अपने अपने इंटर एफोर्ट के अंदर एक छोटे मोटे 2-3-4-5 लिंक के जरिए अगर आप इंटर बिजनेस प्लेटफॉर्म को कवर अप कर रहे हो, तो आपको कौन सी चीज के लिए जाना है, बाहर जाना है या फिर किसी और के पास जाना है, अल्टीमेट सॉल्यूशन यहाँ पे आपके पास है, डन डील वाला ऑप्शन आपके पास है। तो हर एक शब्द जो ऑन पैसिव के प्लेटफॉर्म में बोला जाता है, इसका इतना गहरा इनर मीनिंग है कि आप किसी भी तरीके से इसको बोले रखे या फिर आपके आप किसी भी तरीके से इसको सोचे ना, आप बहुत ग्रैंड लेवल पे जा रहे हो, आप बहुत बेहतरीन लेवल पे जा रहे हो। तो अल्टीमेट जो है शॉप क्लोज या फिर ऐसा कुछ भी नहीं। देखिए, बहुत बड़े बड़े ई कॉमर्स वेबसाइट है, फ्लिपकार्ट है, अमेजोन है, लेकिन फिर भी लोग जो है ऐसे ऐसे छोटे छोटे डायरेक्ट जगह पे जा रहे हैं। ऐसा नहीं कि ये लोग फ्लिपकार्ट और अमेजोन पे नहीं है या फिर बाकी के सारे जितने सारे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है वहां पे नहीं है, हर एक जगह पे है। मैंने तो सिर्फ बात कर लिया जो लोग छोटे मोटे बिजनेस पर्सन हैं और खरीद परोद का बिजनेस करते हैं, ऐसा नहीं, वेबसाइट का काम हो या फिर बाकी सारे ऐसे बहुत सारे चीजें हैं, जैसे कि अकेडमी का जो हम लोगों के ऊपर है, एक लर्निंग टीचिंग का जो जरिया है अकेडमी, इसका भी जगह हम लोग देखे, तो ये भी इसी तरीके से D2C पे ही आता है, डायरेक्ट टू द कंज्यूमर, डायरेक्ट टू द कस्टमर के पास जा रहा है। और डायरेक्टली आपको किसी भी जो है यूनिवर्सिटी या फिर यहाँ पे नौकरी करने की जरूरत नहीं है, आपको अपना मुंह मांगे आपका जो भी कोर्स कंटेंट होगा उसका आपको आपका जो है फीस आप वहां से डायरेक्टली कलेक्ट कर सकते हो। तो हर एक टूल्स का जो है बहुत ज्यादा अहमियत है, और ये जो इंटीग्रेशन वाला डिजिटल पार्ट है ना, ये बेस्ट पार्ट है, और हम लोग उसी के तहत आगे बढ़ रहे हैं। आने वाले टाइम पे जैसे ही मार्केटिंग कैंपेन चालू होगा, हर एक चीज आपके ऊपर आपके पास समझ में आ जाएगा। तो मैं जो बात आप लोगों को बोल रही थी कि ऐसे ऐसे कौन से इंडियंस जो है स्टार्टअप कंपनीज है, आपने बोट का नाम सुना है, आपने बोट ने कभी भी ऐसे फिजिकली अपने गैजेट्स जो है वो अपने जो डिजिटल आइटम्स है सॉरी अपने जो हेडफोन्स वगैरह है वो कभी बेचे नहीं, उसने अपने पूरे इंटायर सेटअप जो है वो ऑनलाइन ही किए हैं, और उसने मेन टारगेट अपने यंग जनरेशन को बनाया, और उसका कस्टमर बेस भी इसी तरीके का है। आप मामा अर्थ को ले लीजिए, शुगर कॉस्मेटिक्स को ले लीजिए, ये लोग जो है कंप्लीटली इसके ऊपर जा रहा है, या तो फिर आप द मॉम्स को देख लीजिए, ये सारे लोग जो है इसी के ऊपर जा रहे हैं और अल्टीमेट इंटायर फील्ड में वो लोग राज कर रहे हैं।
अपने अपने कंटेंट को वो इतने अच्छे तरीके से उसको इम्प्लीमेंट करते हैं कि हम लोग जो है बहुत बेहतरीन ढंग से इसको अल्टीमेट प्रोसेस पे लेके जा सकते हैं, अल्टीमेट प्रोसेस पे रख पाते हैं और हम लोग कहीं ना कहीं इसका कस्टमर भी बन गए हैं। ठीक है, हमको पता भी नहीं है कि हम लोग इसके कस्टमर है। तो आप सोच सकते हो कि अल्टीमेट प्रोसेस पे ऑन पैसिव एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म को हिट कर रहा है। मैंने जितने कंपनीज का नाम लिया ये लोग इंडिया में काम कर रहे हैं या फिर एशियन पैसिफिक कंट्रीज पे काम कर सकते हैं, बट ये लोग इतने बेहतरीन पैन वर्ल्ड जिस अगर मैं बोलूं ग्लोबल लेवल पे ग्लोबल स्केल जो है वो लार्जर स्केल आप अपने घर पे बैठ के बना सकते हैं। आपके लिए एक एंटायर प्लेटफॉर्म बना दिया गया है। तो आपके पास ये जो टाइमिंग है ना, ये जो मार्केटिंग कैंपेन या लॉन्चिंग तक जो टाइमिंग है, आप इसको इस्तेमाल कीजिए, इसके ऊपर आप खुद को गेन कीजिए, तो आप उस लेवल पे तुरंत पहुंच जा सकते हैं जो लेवल तक पहुंचने का जो है अल्टीमेट विजन एस सर ने देखा है और कहीं ना कहीं हम सब फाउंडर्स लोगों ने बैठ के देखा है, उस तक हम लोग पहुंच सकते हैं, बहुत इजीली पहुंच सकते हैं। थैंक यू, आज का मेरे तरफ से इतना ही और थैंक यू मुझे यहाँ पे आज के जो है त्रिवेणी का इतना बढ़िया एक प्लेटफॉर्म पे हम लोगों को बुलाने की, एंड ओवर टू योगिनी मैम, एब्सोल्युटली प्लीज। थैंक यू सो मच पल्लवी, बहुत ही बढ़िया जानकारी। मैं यहाँ पे सिर्फ एक मुझे जस्ट आपकी बातें चल रही थी तो मुझे एक सवाल आया कि नॉर्मली हम सुनते हैं सी टू सी या फिर बी टू सी, तो अभी आपने जो बताया वो और इन दोनों में डिफरेंस क्या है, क्या आप बता सकते हैं हमारे फाउंडर्स के लिए? कुल देखिए, बिजनेस टू कस्टमर जब होता है तो उसपे हम लोग क्या करते हैं कि हमारे पास एक बिजनेस है, कोई ना कोई थर्ड पार्टी होता है कस्टमर तक पहुंचने के लिए। ठीक है, आप किसी ना किसी ऐसे प्लेटफॉर्म को ले लेते हैं। सिमिलरिटीज आपको लग रहा होगा कि सिमिलरिटीज तो कुछ भी नहीं है, नाम बस चेंज हो गया, ऐसा नहीं है। अगर ऐसे वेबसाइट्स भी काफी सारे हैं जो अपने कस्टमर को खुद जाकर अपने डायरेक्टली कस्टमर तक पहुंच रहे, मतलब अपने प्रोडक्ट को अपने ही एरिया में खुद जाकर डिलीवरी कर रहे, तो उसमें तो उसका जो ई-कॉमर्स का जो कॉस्टिंग है वो उसका लेस हो गया। ये तो B2C में पॉसिबल नहीं है ना। अल्टीमेट B2C में क्या हो रहा है, आपके पास कोई कोरियर वाला बंदा आ रहा है, आपके पास जितने सारे पार्सल है, जितने कस्टमर है वो उसको लेके जा रहे हैं, अल्टीमेट आपको थर्ड पार्टी को भी थोड़ा बहुत कुछ रेवेन्यू आपको शेयर करना होता है। ये यहाँ पे जरूरी नहीं है। और कहीं ना कहीं आप एक चीज को देखिए कि ट्रैफिक जो है हम लोग क्या बोलते हैं, आप जैसे ही ट्रैफिक को हिट करते हो तो अपने एरिया में आपको सबसे पहले जो है कस्टमर को हिट करते हो, फिर आप धीरे धीरे करके गेन करते हो, तो ये बेनिफिट हो जाता है। और सी टू सी में क्या है, आप एक कस्टमर हो, आप किसी कंपनी से आप अपने किसी प्रोडक्ट को लिया और फिर आप उसको प्रमोट कर रहे हो, उसको आप किसी ना किसी प्लेटफॉर्म पे बेच रहे हो, तो जो कंपनी से आपने प्रोडक्ट लिया वो कंपनी आपको मतलब थोड़ी थोड़ी बहुत को मार्जिन रख के ही आपको वो उसने दिया होगा, आप तो उस चीज को खुद से बना के नहीं सेल कर रहे हो, खुद से बना के सेल करते तो वो बी टू सी पे जाता ना, तो ये सी टू सी हो गया। आप एक कस्टमर हो, आप दूसरे कस्टमर को सेल करो, बीच में मार्जिन आप भी रख रहे हो, तो ये फॉर्मेट हो जाता है। और डायरेक्ट टू कस्टमर में क्या है, आप खुद ही चीज को बना रहे हो, खुद ही उसका एकदम आप और बनाओ ना, बायोडिग्रेडेबल जो है पैकेजिंग आ गया है, बहुत सारे ऐसे लोग अभी प्लास्टिक को बैन कर रहे हैं, तो आप ऑर्गेनिक लेवल पे और अच्छे से जा सकते हो, जहाँ पे एक बेस बन रहा है ऑर्गेनिक का जो है ना, एक अलग ही लेवल का कस्टमर बेस बन गया ऑलरेडी। लोग ढूंढते हैं कि मुझे अगर एक साबुन भी खरीदना है तो भी उसको ऑर्गेनिक लेवल पे कौन बेच रहा है, लोग जाके ढूंढते हैं, तो हर एक चीज ऑर्गेनिक पे एक अलग कस्टमर बेस बन गया, इसलिए B2C इतना हिट कर रहा है, लोग इतना जा रहे हैं इसके आगे। और कॉस्ट फ्रेंडली भी है, आपको अच्छा खासा ब्रांडिंग मिल रहा है, ऑर्गेनिक चीज मिल रहा है, उस पे पूरे ग्रीन आप जा रहे हो, तो आप अपने सोच को भी बेहतरीन कर रहे हो, आप चीज जो भी घर पे लेके आ रहे हो अल्टीमेट आपकी यूजिंग पे लग रहा है, तो प्रोसेस बिल्कुल सही है। लेकिन लोगों के सोच मतलब लोग ज्यादा ज्यादा डेवलप कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट कर रहे हैं और अपने कस्टमर भी एडॉप्ट कर रहे हैं, और उसी तरीके से हम लोग जा रहे हैं। होप योगिनी दी आपको समझ में आ गया होगा, अगर आपको कोई क्वेश्चन है। थैंक यू सो मच पल्लवी, आपने जो भी अभी जानकारी दी है बिल्कुल हमारे जो फाउंडर्स है उनको डिफरेंस समझ में आया होगा,
कि इन तीनों में भी क्या डिफरेंस है, और मोस्ट ऑफ देम तो बहुत सारे लोग जो है वो उन सब चीजों को एक्सपीरियंस भी कर रहे होंगे, अलग अलग बेनिफिट्स उसके क्या है क्या नहीं है. थैंक यू वंस अगेन आपका कि आपने हमें इतने अच्छे इनपुट्स दिए, सो बहुत बहुत शुक्रिया. सेशन को आगे बढ़ाते हुए हमारी जो ममता जी है, तो उनसे उनके बगैर तो ये सेशन बिल्कुल अधूरा सा लगता है क्योंकि त्रिवेणी है. तो यहाँ पे ममता जी को इनवाइट करने से पहले वो किस चीज पे हमें आज के आज सेशन में हमें थोड़ा सा बताएंगे उसके बारे में. मैं बिल्कुल यहाँ पे थोड़ा एक एक लाइन में ऐसे कुछ बोलना चाहूंगी. हम बिजनेस बिल्कुल करते हैं, अलग अलग तरीके से हम बिजनेस करते हैं, मगर आज अगर हम ऑन पैसिव में है तो इसी बिजनेस को हम कैसे अपलिफ्ट कर सकते हैं, उसके लिए हम आज स्पेशली ममता जी को यहाँ पे इनवाइट करना चाहते हैं. सो ममता जी प्लीज आइए, आपका स्वागत है इस मंच पे और आपसे बिल्कुल सुनना चाहेंगे. थैंक यू सो मच, आइए. बहुत बहुत धन्यवाद योगिनी जी मुझे इनवाइट करने के लिए. सबसे पहले कौशिक सर और यहाँ पर उपस्थित सारे गुणीजन, हमारे स्पीकर, होस्ट, को होस्ट सभी को प्रणाम करती हूँ और यहाँ पर उपस्थित सारे ही गुणीजनों का स्वागत करती हूँ. और मेरे विषय को जाने से पहले बहुत बहुत धन्यवाद अर्चना जी और पल्लवी जी, बहुत अच्छा एक नया आयाम देने की कोशिश आपने की है, नए सब्जेक्ट्स को लेके जब हम आते हैं तो जैसे ऐश सर ने सारे प्रोडक्ट्स को इंटीग्रेट किया है, वैसे हम विभिन्न विषयों को लेके उनको ऑन पैसिव के साथ मर्ज करते हैं, उनको इंटीग्रेट करते हैं. क्योंकि हम ये मानते हैं कि करे कुछ भी कोई भी बिजनेस करे या फिर सिर्फ ऑन पैसिव करे या फिर कोई भी सेक्टर हो, आखिर सभी को ऑन पैसिव में आना है. तो ये एक इतनी बड़ी विजन है और इसके ऊपर हमारा बहुत कड़ा विश्वास भी है, क्योंकि हम जानते हैं ऑन पैसिव है क्या. मेरी जो भी आज का शेयरिंग है उसको शुरू करने से पहले मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि ये जो कुछ हमने आज तक सीखा है, सुना है, वो पहले तो हमें पता नहीं था. हमने धीरे धीरे हमारे CEO ऐश मुफारा सर के जो भी वेबिनार हमने अटेंड किए हैं रात को जग के या फिर रिकॉर्डिंग सुन के, तो उसमें से जितना भी हम कुछ ले सके और समझ सके उसका ही ये परिणाम है कि हम आपके सामने कुछ बातें कर सकते हैं और बात रख सकते हैं. क्योंकि हम सभी चाहते हैं कि अगर अंग्रेजी भाषा सबको नहीं आती तो कुछ ना कुछ हमारी ओर से एक आपके लिए कुछ मददगार हम साबित हो और आपके तरफ जाते हुए हम कुछ इन्फॉर्मेशन या नॉलेज को आपको आपके साथ साझा कर सकते हैं. तो सबसे पहले मैं एक टीचर हूँ तो मैं हमेशा ही सिखाते समय मतलब नोन से अननोन की ओर जाती हूँ. तो अभी हमको ऑन पैसिव के बारे में नोन क्या है, अभी इतने सारे हमारे ऑन पैसिव के दिल की बात के सेशन हुए हैं, हमारी इतनी प्यारी महिलाएं आती है, बहनें आती है और वो अपना शेयरिंग रखती है, लेकिन सबका एक पहला एक जो पॉइंट होता है कि मुझे टीम बनानी नहीं, क्योंकि अब लोग नेटवर्किंग कर करके बहुत थक गए हैं. कितना भी अच्छा हो लेकिन जब तक आगे वाला कुछ टीम नहीं बढ़ाते हैं तब तक हमें प्रॉफिट नहीं आता है. तो MLM की ये खासियत रही है, नेटवर्किंग की खासियत रही कि प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा है लेकिन सारे लोग वो कर नहीं सकते. तो ये बात नहीं है कि MLM अच्छी नहीं है या प्लेटफॉर्म अच्छा नहीं है, वो बात अच्छी नहीं है, वो बात वहाँ पर आ जाती है कि जब कुछ चलता नहीं है तो फेल्यूर के चांसेस ज़्यादा है और सक्सेस के कम है. हम यहाँ पर नारा देते हैं हमेशा, सॉरी, हमारा नारा होता है वी आर इन इट टू विन इट. तो कार्यक्रम की हमेशा शुरुआत ऐसे ही होती है कि हमारी महिलाएं कहती कि नो टीम, तो हमें टीम बनानी है, किसी को जोड़ना नहीं है, हमारे किसी को जोड़ना नहीं है और बड़ी बड़ी टीमें बनानी नहीं है और किसी को कुछ बेचना नहीं है और सबसे बात की रीपरचेसिंग नहीं है. तो ये इन बातों की वजह से अट्रैक्ट हुए हैं लोग ऑन पैसिव की तरफ. लोग फिजिकल सेटअप से भी अभी बहुत घबराते हैं क्योंकि फिजिकल सेटअप करना एक ऑथेंटिक बिजनेस आज तक हम समझते थे कि चलो कुछ एक दुकान ले लिया, रेंट पे ले लिया, कुछ रिसोर्सेस लगा लिए, उसका भाड़ा दे दिया, इलेक्ट्रिसिटी के चार्जेस भर दिए, लेकिन चलेगा क्या, ट्रैफिक
कस्टमर, कोई भी बिजनेस जब पनपता है ना तो कस्टमर और कंसिस्टेंट कस्टमर बहुत ज़रूरी होता है। अगर वो नहीं है तो फिर बिजनेस के चांसेस फेल्योर के ही ज़्यादा होते हैं। ऑन पैसे में एक दूसरी बात हमें बताई गई है कि आपका जो प्रॉफिट है वो दूसरे महीने से आपको उसका सब्सक्रिप्शन चार्ज कंपनी लेगी और आपको बाकी का प्रॉफिट रेसिडुअल इनकम के रूप में देगी। तो पहले टीम बनानी नहीं है, रेसिडुअल इनकम हर महीने में है बिना कुछ काम किए, क्योंकि AI इज़ गोइंग टू वर्क फॉर यू। आप को कुछ भी करे बिना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो काम करेगी, कस्टमर ढूंढेगी, कस्टमर को बेचेगी, वो आपका टीम भी होगा। तो एंटायर बिजनेस जो है वो एक फुल्ली ऑटोमेटिक बिजनेस है। टीम भी खुद ही बनाएगी, कस्टमर भी खुद ही ढूंढेगी, उनको बेचेगी भी, सब कुछ एक क्लिक पे है। तो एक नया जनरेशन का बिजनेस है। तो अभी एग्जिस्टिंग बिजनेस में, जैसे हमने आज की प्रोग्राम की शुरुआत डोमेन और सब डोमेन से की थी, तो एग्जिस्टिंग बिजनेस के लिए हमने बहुत बार, मैंने भी दिल की बात में कहा है कि एग्जिस्टिंग बिजनेस जो होते हैं तो हमेशा ही हम किसी और को कहते हैं, अगर हम, मेरा कुछ बिजनेस है, अगर मैं कहती हूँ तो पहला एक होता है कि आप आपकी वेबसाइट दीजिए। क्यों? क्योंकि वेबसाइट को आजकल एक बिजनेस कार्ड माना गया है। आप अगर कार्ड देते हो ना, उससे पहले लोग वेबसाइट मांगते हैं, क्योंकि वेबसाइट के ऊपर जो प्रेजेंटेशन होता है, पूरे आपके बिजनेस का ब्यौरा होता है, वो पूरा का पूरा लोग समझना चाहते हैं, इसलिए वेबसाइट मांगते हैं। उसके ऊपर आपका बिजनेस जो दिखता है उससे लोग आपको समझते हैं, आपके बिजनेस को समझते हैं। ऑन पैसिव आपको वेबसाइट दे रही। अब इधर अगर हम वेबसाइट ऑन पैसिव में नहीं है तो हमको खुद को वेबसाइट और होस्टिंग के चार्जेस भरने पड़ते। अभी अर्चना जी ने बहुत अच्छी तरीके से समझाया कि जगह लेनी पड़ती है, वो रेंट के ऊपर, नाम पहले तो वेबसाइट का नाम देना पड़ता है, वो रखने के लिए एक जगह रेंट से जो हम लेते हैं, डोमेन जिसको हम कहते हैं, वो उसका हमको रेंट पे करना पड़ता है हर साल। ऑन पैसिव क्या करेगी? आपको वेबसाइट और डोमेन एक ही बार आपका जो सब्सक्रिप्शन चार्ज है उसमें सब आएगा, हर साल आपको उसको रिन्यू करने के लिए पैसा भरने की, रेंट देने की ज़रूरत नहीं। तो वन लाइफ टाइम, वन टाइम एक्सपेंस है आपको, जो बाकी के बिजनेस में नहीं होता है। दूसरा एक मुनाफा है कि आप जब खुद की वेबसाइट चलाते हो तो आपको कस्टमर लाने पड़ते हैं। मैंने एक वेबसाइट खुद की निकाली थी, लेकिन टारगेटेड कस्टमर नहीं है। जब तक कस्टमर नहीं है तब तक वो वेबसाइट हो के या ना हो के कोई उसमें कोई अंतर नहीं है। अगर आपको कस्टमर नहीं मिलते हैं वो वेबसाइट की तरफ से, जैसे अर्चना जी हमेशा सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की भी बात करती है, तो वो सारी जो बातें हैं वो अगर मैं नहीं कर सकती हूँ तो मुझे ट्रैफिक नहीं आएगा, टारगेटेड ट्रैफिक नहीं आएगा। टारगेटेड ट्रैफिक का मतलब है ट्रैफिक तो है लेकिन उनको भी वो चीज़ चाहिए, तो वो टारगेटेड ट्रैफिक हो गए तो उनके कन्वर्जन के चांसेस बहुत होते हैं। तो इस पूरे सिस्टम में अगर मैं खुद बिना ऑन पैसिव कुछ करती हूँ तो मुझे वेबसाइट होस्टिंग के चार्जेस हर साल देने पड़ेंगे, और ट्रैफिक जो आएगा उसकी कोई गारंटी नहीं कि वो मेरा टारगेटेड ट्रैफिक होगा, कन्वर्जन के चांसेस कुछ भी नहीं, शायद नील भी हो लेकिन फिर भी मुझे वो वेबसाइट और डोमेन के चार्जेस पे ही करने पड़ेंगे। तो हमारी बिजनेस अपलिफ्टमेंट ऑन पैसिव के थ्रू कैसी होगी? तो बिजनेस के लिए हमको वेबसाइट मिलेगी 365 डेज अलग डिज़ाइनिंग, उसके कोई अलग चार्जेस नहीं, सब सब्सक्रिप्शन में आ जाएगा। डोमेन मिलेगा, कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है, और आप को टारगेटेड ट्रैफिक आपके टेरिटरी में मिलेगा, आपके एरिया में मिलेगा, आपकी सिटी में मिलेगा, आपके तालुका में मिलेगा। धीरे धीरे स्टेट में जाओगे तो अगर आपको अपलिफ्ट करना है खुद का ऑनलाइन बिजनेस, किस तरीके से आपको ऊपर तक लेके जाना है, स्टेट लेवल या नेशनल लेवल या इंटरनेशनल लेवल पे, वो आपके ऊपर है। ऑफकोर्स देर आर बहुत बहुत चांसेस है कि आप उसको बहुत अच्छी तरीके से पकड़ सकते हो और बहुत पनप सकते हो। तो अपलिफ्ट करने का ये बहुत अच्छा तरीका है। और सबसे बड़ी बात जो पल्लवी जी ने अभी की, नो मिडलमैन, कोई मिडलमैन है ही नहीं। आपको ये सब करोगे आप जब आपको खुद की वेबसाइट है, तो आपको ये टारगेटेड ट्रैफिक भी नहीं मिलेगा और कस्टमर भी नहीं मिलेंगे, चांसेस कम है। ऑन पैसिव आपको टारगेटेड ट्रैफिक ये सारी स्तरों के ऊपर देगा और उसमें नो मिडलमैन। तो आपका जो भी प्रॉफिट है, आपका जो भी बिजनेस अपलिफ्टमेंट है, वो ऑटोमेटिक हो जाएगा।
एक बार पिछले हफ्ते मैंने हमने जो हमारा त्रिवेणी का पिछला शुरू था तो हमने डिजिटल अवेयरनेस की बात की थी, तो हमेशा ये मैं बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, मतलब कितने नाम लूँ उतने कम है, जो जस्ट नेम इट आपको वो लाइव आपको फेसबुक के ऊपर मिल जाएंगे आफ्टरनून सेशन में, जब सब शांत होता है, सब महिलाएं अपनी काम में काम से फुर्सत में होती है, तो उनको फेसबुक लाइव बहुत अच्छा बिजनेस देता है। तो फेसबुक लाइव हो या व्हाट्सएप के जरिए जो भी ग्रुप्स है, उस ग्रुप में से हम अपने कोई भी बिजनेस का एक कार्ड डाल देते हैं या फिर कोई पोस्ट डाल देते हैं कि आप मुझसे ये खरीदो वो खरीदो, या फिर मैं ये बिजनेस कर रहा हूँ, या फिर मैं कुछ कंसल्टेंसी है मेरी, या फिर मैं ब्रोकर हूँ, तो जो भी है, या फिर कुछ चीज़ें बेच रही हूँ, तो उसके लिए हम व्हाट्सएप इंस्टाग्राम और फेसबुक का बहुत बड़ा सहारा लेते हैं। लेकिन कस्टमर ढूंढना पड़ता है, फिर से बात आ गई वहीं पे कि ऑन पैसिव हमारे बिजनेस को क्यों अपलिफ्ट कर रहा है, क्योंकि हमें वो टारगेटेड ट्रैफिक दे के हमारे बिजनेस को अपलिफ्ट कर रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा एक अपलिफ्टमेंट का जरिया हमें दिया है, ढूंढना नहीं पड़ता है कस्टमर को, ऑटोमेटिकली हो जाएगा। वेबसाइट डिज़ाइनिंग के बारे में हम बात करते हैं कि वेबसाइट डिज़ाइनिंग के आजकल बहुत लोग करते हैं कि हमारे यहाँ आप वेबसाइट डिज़ाइनिंग के लिए आइए, तो उसका खर्चा तो पता ही है, 5 से 10 हज़ार रुपये तक होता है, लेकिन वो सिर्फ वेबसाइट डिज़ाइन करके देते हैं, उसके ऊपर टारगेटेड ट्रैफिक तो देते ही नहीं है। और एक बार पैसे देते हैं, एक साल के बाद फिर वेबसाइट और होस्टिंग के पैसे आपको देने पड़ते हैं, तो वेबसाइट डिज़ाइनर को हर साल आपको बांधना पड़ता है। ऑन पैसिव में फिर से वही बात है कि एक बार वेबसाइट मिल गई आपको, कंपनी करेगी, ऑल इज ऑटोमेटिक, आपको फिर से कोई पैसा भरने की ज़रूरत नहीं, वेबसाइट आपकी हक की होगी 365 डेज। तो टारगेटेड ट्रैफिक का ये बहुत बड़ा एक जो मसला था आज तक की दुनिया में, कोई भी बिजनेस को पनपने के लिए जब जो ट्रैफिक लगता है, कस्टमर लगता है, तो वो कस्टमर बेस आपको लेके आने की जो एक बात है वो ऑन पैसिव करेगी। दूसरी एक बात है कि आज तक हमने बहुत सारे देखे, मैंने जितने भी फिजिकल बिजनेस लोगों के थे और उनसे मैंने कुछ बातें की, तो पहला एक ही था कि हमने बहुत बिजनेस किए, हमने बहुत फेल्यूर देखे हैं और फिर बाद में हम लोग सक्सेसफुल हो गए। तो जब तक वो क्लिक नहीं आती है ना, तब तक उनको थोड़ा जंपिंग करना पड़ता है, ये फिजिकल सेटअप की बात हो गई। MLM या फिर बाकी के जो भी नेटवर्किंग के बिजनेसेस है, चाहे प्लान कोई भी हो, लेकिन उनको भी मैंने जंपिंग करके दिखा है कि बहुत सारी कंपनियां की, ऐसा कोई भी नहीं कहता कि बहुत कम है, हैंडफुल ऑफ पीपल की एक ही कंपनी में 15-15 साल है, 10-10 साल है, वो उनका अगर एक ग्रुप हो जाता है, उनका एक कस्टमर बेस होता है, उनका एक नेटवर्क, एक पक्का नेटवर्क हो जाता है, तो वो पूरे नेटवर्क के साथ इधर से उधर जंप करते हैं, और ऐसा हमने देखा है। तो ये जो जंपिंग वाली बात है, या फिर फिजिकल सेटअप में एक बिजनेस छोड़ के दूसरा बिजनेस करते हैं, कभी ये किया कभी वो किया कभी वो किया, बात वही है, कस्टमर लगता है, बाकी के रिसोर्सेस उतने ही लगते हैं, आपको ओवरहेड्स उतने ही लगते हैं, और हर साल का अलग खर्चा जो एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस होते हैं या फिर रजिस्ट्रेशन चार्जेस होते हैं, वो आपको उतने ही भरने पड़ते हैं। तो ये एक ऑन पैसिव ने एक बहुत बड़ा चमत्कार करने जा रही है कि आप अगर यहाँ पे आ गए हो तो बाकी कुछ करने की जरूरत, क्यों लोग जंपिंग करते हैं, क्योंकि वहाँ पे फेल्योर है। अगर VR इनिट टू इनिट होता तो कहीं लोग जाते ही नहीं ना, कस्टमर कोई दूसरा फेज में जाते ही नहीं, कुछ फिजिकल सेटअप दूसरा करते ही नहीं, कभी होटल निकाल लिया, कभी कपड़े के दुकान निकाली, कभी ब्यूटी पार्लर कर लिया, तो ऐसे लोग करते ही नहीं ना। उनको अगर VR इनिट टू विनिट का एक जो मामला है, ये सिर्फ ऑन पैसिव में है, इसलिए तो हम इतने विश्वास के साथ इसके साथ जुड़े हुए हैं। तो ओवरहेड्स और रिसोर्सेज की बात जब भी आती है तो ऑन पैसिव में उसको पूरा क्रॉस है, क्योंकि सब ऑटोमेटिक ही कंपनी आपको करके दे रही है, कस्टमर बेस भी आपका करके दे रही है, तो आपको इन बातों के ऊपर चर्चा नहीं करनी पड़ती है, उसको दिमाग से बिल्कुल हटा दे तो भी अच्छा है, इसलिए बिजनेस अपलिफ्ट होता है। इंटीग्रेशन की बात करूंगी कि जैसे हमारे SG ने सारे ही टूल्स इंटीग्रेट किए हैं। अगर मैं खुद की बात करूं तो अगर मैं मेरा एक कोर्स अकेडमी पे डाल रही हूं और मेरे पास बहुत सारे सीखने वाले स्टूडेंट्स आते हैं, या फिर मेरा बेटा मेडिसिन और सर्जरी के लिए पढ़ा रहा है, तो पूरे देश भर के या फिर बाकी के कंट्रीज से भी जितने भी लोग वहाँ पे वो देखेंगे
कि हाँ भाई ये सर्जरी का ये टॉपिक हो रहा है और मुझे इसकी ज़रूरत है, तो सिर्फ भारत या फिर सिर्फ महाराष्ट्र के बच्चे ही नहीं है, पूरे ग्लोबल लेवल पे जितने भी बच्चों को वो वाले ईयर में अगर वो टॉपिक पढ़ना है तो वो एनरोल करेंगे, और जितने अगर बच्चे बहुत है तो हमारे ओक कनेक्ट के ज़रिए हम लोग आ सकते हैं। तो क्या है कि ओकेडमी पे आप जाके आपका कोर्स रखते हो, एकेडमी एक टूल हो गया, उसको आपको वो पूरा सिस्टम बढ़ाने के लिए ओ कनेक्ट लगता है तो उसके बाद आप ऑडिट पे आते हो, क्योंकि आपका वीडियो आप एडिट करके फिर डाल सकते हो, एक बारी का वीडियो आप कितने ही बार चला सकते हो, और एक अलग आयाम उसमें भी है कि यू कैन चार्ज दो स्टूडेंट्स। तो एक पे स्ट्रक्चर ऑन पैसिव का जो है उसके साथ साथ आप खुद की इस मेहनताना भी आप उचित दाम पे ले सकते हो, और फिर मैं समझती हूँ कि अगर बहुत सारे लोग हैं तो बहुत कम प्राइस भी रखे तो भी फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि वो एक हाई लेवल पे ही हम लोग पैसे लें, क्योंकि अगर ओ कनेक्ट का दायरा बड़ा है तो प्रॉफिट भी बड़ा आएगा, तो फिर हमें हमारे चार्जेस अगर हम कम करते हैं तो बिज़नेस ऑटोमेटिकली अपलिफ्ट होगा। अगर 50 लोग आते हैं, जस्ट अ मिनट, तो 50 लोग आते हैं तो कल 500 आएंगे, 500 आएंगे तो 5000 आएंगे, तो जितने लोग ज़्यादा आएंगे तो हम फीस भी कम कर सकते हैं। इंटीग्रेशन का जो हम मैं बात कर रही थी, तो ऑडिट पे आप जा सकते हैं, ऑडिट के बारे में ओ कनेक्ट ओकेडमी है तो onpassive.com हमारा खुद का, फिर हमारा खुद का डोमेन, फिर वहीं पर आता है कि कंपनी का डोमेन है, हमारे खुद के नाम का जो डोमेन होगा, उसके जो भी टूल्स के सब डोमेन्स होंगे, उसके ऊपर इतना ट्रैफिक आएगा, तो ना इंटीग्रेशन है, ओ कनेक्ट पे ट्रैफिक आएगा, ऑडिट पे ट्रैफिक आएगा, onpassive.com पे ट्रैफिक आएगा, मेरे खुद के इस पे ट्रैफिक आएगा, तो जितना ट्रैफिक आएगा उतना, जितना ट्रैफिक आएगा उतना रेवेन्यू जनरेट होगा। तो ये बात एक ही है, हम एक ही बात कर रहे हैं, लेकिन ट्रैफिक इतनी बार आएगा कि उसका रेवेन्यू जनरेशन भी ज़्यादा होगा, तो इसीलिए onpassive को हम कहते हैं कि वी आर इन इट टू विन इट। डोमेन और सब डोमेन की बात चल रही है तो ये भी बता दूं कि डोमेन डिज़ाइनिंग के लिए जो भी हम लोग चार्ज कर सकते हैं, लाखों इन्वेस्टमेंट करते हैं लोग, क्योंकि जितना आप इन्वेस्ट करोगे उतना आपको मिलता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा होता ही नहीं है। तो थोड़ी सी बात मैंने डिजिटल मार्केटिंग की भी की, लेकिन डिजिटल मार्केटिंग में मैंने एक बात, एक पॉइंट नहीं की कि आप डिजिटल मार्केटिंग करते हो, लोग आते हैं लेकिन आपकी टीम नहीं बनती। onpassive में वो जो बात है कि ये मार्केटिंग जब कंपनी करेगी ऑटोमेटिक टारगेटेड ट्रैफिक, वो ऑटोमेटिकली इफ़ दे आर कन्वर्टिंग टू योर कस्टमर, वो हमेशा के लिए आपके कस्टमर हो गए, तो आपका एक खुद का कस्टमर बेस बनाने की जो सिस्टम है वो भी एक ऑटोमेटिक हो जाएगी। वो आते हैं तो खुद के आपके प्रोडक्ट के लिए आते हैं, जैसे मैंने अभी मेरे बेटे के इसके बारे में बात की कि अगर वो सिखाएगा सर्जरी का एक लेसन तो बहुत सारे पूरे ग्लोबल लेवल के बच्चे उसके क्लास में आएंगे, हो सकता है उसमें से अगर 10% लोग भी onpassive में साइन अप करें तो वो सारे के सारे उसके टीम में ही आएंगे। तो मेरा बेटा मैंने उसको स्पॉन्सर किया है तो वो मुझे भी फ़ायदा है, उसको भी फ़ायदा है, और मेरे ऊपर जितने भी है उतना फ़ायदा। और जैसे आयुष जी ने कहा है कि ऐसा ऊपर नीचे कुछ नहीं है, onpassive इज समथिंग डिफरेंट, तो हो सकता है कि अगर जो भी कस्टमर आते हैं तो उसका फ़ायदा सभी को मिले, तो यही चाहते हैं ना कि सबको फ़ायदा मिले, यही एक ह्यूमैनिटी की सोच है और उसकी वजह से हम onpassive में टिके हुए हैं। तो ये जो परमानेंट कस्टमर बेस का जो पैटर्न है वो onpassive के बिना कहीं पर भी नहीं, तो बिज़नेस अपलिफ्ट होता है। आप काम एक करते हो लेकिन ऑटोमेटिक बिजनेस क्यों अपलिफ्ट होता है, क्योंकि ये सिस्टम ही वैसी है। एक बात हम हमेशा कहते हैं कि $97 हमको सर्विस चार्जेस पकड़ के, समझ लो $105 हम देते हैं, समझ लो अभी 9000 तक हम लोग देते हैं, और जो सब्सक्रिप्शन चार्ज होगा वो कर तकरीबन अगर सब ये दोनों मिला के अगर 30,000 तक है, तो ऐसा अभी तक तो कोई बिजनेस है नहीं कि अगर आप 30,000 लगा लो कुछ भी काम ना करो, रिसोर्सेज की चिंता नहीं है, लाइट बिल की चिंता नहीं है, ओवरहेड्स की चिंता नहीं है, आपके यहाँ काम करने वालों की नहीं है चर्चा, तो आपको इतने से ही रुपये में आपका खुद का बिजनेस वेबसाइट के ज़रिए तो अपलिफ्ट होगा ही होगा, साथ में आपको एक टारगेटेड ट्रैफिक के ज़रिए आपके बिजनेस को जब हम पनपाते हैं तब तक आपको आपकी टीम भी मिलेगी, प्लस कंपनी भी खुद के कंपनी के तरफ से आपको आपकी टीम और बढ़ाएगी, शायद वो आपके बिजनेस में आते हैं या नहीं आते हैं, आपके डोमेन सब डोमेन पे जाते हैं नहीं जाते है, फिर भी अगर कंपनी कैंपेनिंग के बारे में
आपको अगर आते हैं लोग तो आपकी टीम होती है। तो ये एक बहुत बड़ी और ये बात है कि इतना, अभी मैंने एक बीच में एक वेबिनार देखा था, उसमें उन्होंने कहा था कि इन अमेरिका में यूएसए में कुछ $924 लगते हैं एलएलसी का सर्टिफिकेट लेने के लिए। ओवरहेड्स का तो छोड़ ही दो कि रेंट है, बाकी का रिसोर्सेस है, लोग लगते हैं काम के लिए, और ये जो पूरी सिस्टम है वो तो छोड़ ही दो। वो अगर $1,000-2,000 आप लोगे हर महीने में, तो $1,000 तो आपको तकरीबन, मतलब अप्रोक्सीमेटली आपको तो एलएलसी सर्टिफिकेट के लिए लगते हैं। $97 हमारे, अगर हम कहते कि हमारी फाउंडरशिप की पोजिशन है और उसमें कंपेनिंग भी शामिल है, तो सब कुछ तो हमको इतना ईजिली मिल रहा है, क्योंकि हमको कुछ सर्टिफिकेट के लिए भाग दौड़ करने की, फिर आपको तो पता है कि एक कागज़ लेने के लिए कितना खर्चा करना पड़ता है, कितने बार जाना पड़ता है ऑफिस में। तो ये सब हमारे सीईओ आईएसजी और उनकी टीम कर रही है हमारे लिए, ऑल इज़ डन फॉर यू। तो इतना पूरा जो है कि आपको इतना ज़्यादा खर्चा नहीं है, आपको बस फ्रैक्शन ऑफ अमाउंट आपको पे करनी है और आपको रेसिडुअल इनकम बार बार आने वाला है। ये है अपलिफ्टमेंट ऑफ बिजनेस। ये बिजनेस शुरू होने के बाद में प्रॉफिट की बात नहीं कर रही हूँ, ये तो प्रॉफिट अभी का ही है। इतने फ्रैक्शन ऑफ अमाउंट में हमको इतना बड़ा बिजनेस मिल रहा है, ये तो शुरू से ही प्रॉफिटेबल है। तो इतने कम लागत में, अगर समझ लो $400 में अगर कोई फॉरेनर कह रहा है कि हमको बिजनेस मिल रहा है, तो उनके लिए या हमारे लिए भी अगर 30,000 में कौन सा बिजनेस निकलता। अगर आप कोई चाय की टपरी भी निकालना चाहते हो और कोई भी छोटा बिजनेस करना चाहते हो, तो आपको वन लाइफ टाइम मैं बात कर रही हूँ। वेबसाइट की, जैसे अभी हमने कहा कि 10,000 तक तो वेबसाइट के ही लगते हैं होस्टिंग और इसके चार्जेस, तो हर साल आपको लगते हैं। एक बार ही आप इतना खर्चा कर लोगे, आपके तो बल्ले बल्ले है। तो इसके बाद मैं कहूँगी कि जैसे पल्लवी जी ने कहा डायरेक्ट टू कस्टमर, तो ये डायरेक्ट टू कस्टमर वाली जो बात है, जो मैंने अभी कहा कि फेसबुक पे होता है, इंस्टाग्राम पे होता है, डायरेक्टली वहाँ वहीं से वो कहते हैं, हाँ वो वहाँ पर जो खरीदी करते हैं वहाँ से, तो उनको तो वो जो पहला वाला होता है वेंडर, तो उसका तो वो प्रॉफिट निकालेगा ही, वो तो उन्होंने भी बताया। लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट टू कस्टमर हम जाएंगे तो प्रॉफिट के चांसेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वो बाकी का जो भी मार्जिन है वो हमारा है। लेकिन अभी पिछले हफ्ते जो मिस्टर ऐश मुफारा ने हमें एक विजन दी है कि आपको टारगेटेड ट्रैफिक मिलेगा, और उनका ये है कि वो बहुत मार्केटिंग के मास्टर है वो, और वो कहते हैं कि मैं टारगेटेड ट्रैफिक से आपको 20-25% का प्रॉफिट दूंगा। तो ये बहुत बड़ी बात हो गई। कोई भी बिजनेस है ना, 5-10% तक का ही एक प्रॉफिट मार्जिन रखते हैं। यहाँ पर आयश जी हमें कह रहे हैं कि मैं आपको, मतलब ये कर रहा हूँ, तो 20-25% की बात तो बहुत ही बड़ी है। मतलब जितने लोग आएंगे उनमें से कितने, अभी अमेजोन और इनका भी अगर देखो तो इतना कन्वर्जन रेट है नहीं उनका। हाँ, उनको मार्केटिंग, अभी उनका प्लेटफॉर्म है, वो मार्केटिंग तो करते ही रहते हैं, लेकिन हमारे यहाँ जितना मार्केटिंग के लिए उन्होंने कहा है कि टारगेटेड ट्रैफिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी द्वारा आएगा, उसका 22-25% हमको कन्वर्जन रेट मिलेगा। कन्वर्जन रेट इसका मतलब है कि वो पक्के ग्राहक होने ही वाले हैं हमारे, क्योंकि वो टारगेटेड ट्रैफिक है। तो बहुत सारे लोग उसके हकदार होंगे उस प्रॉफिट के। इकोनॉमी है जो बहुत पूरी की पूरी बदल दी। हम हमेशा कहते कि ऑन पैसिव जो है एक सिस्टम बदलने का नाम है, एक पैराडाइम शिफ्ट है। ये नहीं है, वो नहीं, पैराडाइम शिफ्ट। पहला तो हमारी जो भी महिला आती है एमएलएम करने की वाली, उनको तो पहला पैराडाइम शिफ्ट यही लगता है कि टीम नहीं करनी है और बिना टीम के ही बिजनेस फ्लरिश होता है और हर महीने पैसे आएंगे। तो ये बहुत बड़ा पैराडाइम शिफ्ट है, एकदम सही है। लेकिन कम पैसे में बहुत बड़ी लागत, हमेशा के लिए पैसा जनरेशन टू जनरेशन आईडी ट्रांसफ़र करता है, ये भी पैराडाइम शिफ्ट है। एक सिस्टम बदलने वाला पैराडाइम शिफ्ट है कि आपको किसी के और जाने की ज़रूरत नहीं, लोग आपके पास आएंगे। एस जी हमेशा कहते कि यू विल बी हंटेड। आज तक हम लोगों को ढूंढते रहे, हमारी लिस्ट बढ़ाते रहे, हमको ये सिखाया गया कि लिस्ट बढ़ाओ। अरे लिस्ट तो बढ़ेगी, लेकिन लोग पॉजिटिव नहीं है, क्योंकि वी आर इन इट टू विन इट है नहीं। लोगों को फेल्यूर की ज़्यादा चिंता होती है, लोग रिस्क लेने से बहुत डरते हैं। तो यहाँ पे रिस्क फ्री बिजनेस है और हम चलते ही जाते हैं। तो ऑन पैसिव के बारे में हमको बस अभी का ये जो वेट पीरियड है उतना ही बाकी ये है, बाकी तो ऑन पैसिव में ऐसा कुछ भी नहीं है कि हमको प्रॉफिट नहीं है, बल्ले बल्ले ही है। हमेशा कहते हैं कि सर, ऐसे जी कहते हैं कि
ऑल इज डन फॉर यू। तो क्या है ऑल इज डन? तो ये सारी हार्डशिप्स नहीं है, हमें सर्टिफिकेट्स निकालने नहीं हैं, दुकान को देखना नहीं है, कुछ फिजिकल सेटअप करने नहीं है। तो टोटल फ्रीडम हमको जाने वाला है हमारे ज़िंदगी के लिए। हम सिर्फ फाइनेंशियल फ्रीडम की बात नहीं करते हैं, हम टाइम फ्रीडम की भी बात करते हैं, और उसके भी बाद है पैराडाइम शिफ्ट एक और भी है, हमारे क्वालिटी लाइफ। जो स्ट्रेस हम सुबह 6 बजे से शाम को 6 बजे तक झेलते हैं, जाना है, बस पकड़नी है, जाना काम के जगह पे जाना है, बिल्कुल खड़ा ही रहना, खाने की भी फुर्सत नहीं है, कमाते तो पेट के लिए लेकिन हमारा टिफ़िन खाने के लिए भी हमको टाइम नहीं मिलता है। तो ये जो हार्डशिप है ये बहुत, एक ऑटोमेशन का बिज़नेस मिलने की वजह से पूरी की पूरी हार्डशिप हमारी नहीं रहेगी और एक क्वालिटी लाइफ हम जिएंगे। और ये भी एक पैराडाइम शिफ्ट है, क्योंकि आज तक ये माना गया था कि सर्विस एक सिक्योर्ड प्लेस है, अगर आपके पास सर्विस है तो सिक्योरिटी है, लेकिन सर्विस भी बदलनी पड़ती है। वहाँ पर भी जो जंपिंग होता है इस सर्विस सेक्टर से जाते हैं, सर्विस सेक्टर्स भी बदलते हैं, मतलब जॉब प्रोफाइल भी लोग बदलते हैं, और उसी जॉब प्रोफाइल में दूसरी कंपनियाँ या दूसरे सर्विसेज में भी लोग जाते हैं। तो ये जो एक पूरा का पूरा स्ट्रेस होता है कि वहाँ पर भी जाके फिर हमको प्रूव करना पड़ता है कि कितना हम जैसा भी काम करते हैं, तो इसके लिए ऑन पैसिव का ये जो प्लेटफॉर्म है ये हमारी पूरी ज़िंदगी बदलेगा। हार्डशिप नहीं है, टोटल फ्रीडम है। मैं जब आई थी तब मैं सही में कहती हूँ, मैं करोड़ों रुपए के लिए बिल्कुल नहीं आई थी, मुझे पता भी नहीं था ये सिस्टम। मैंने सिर्फ मेरी पेंशन रिप्लेस करने की सोची थी कि आज अगर मैं रिटायरमेंट लेती हूँ तो मुझे 40-50 हज़ार की पेंशन अगर मैं गवर्नमेंट में होती तो मुझे मिलती, तो अभी नहीं मिल रही क्योंकि मैं प्राइवेट सेक्टर में हूँ। तो इसके लिए मुझे ये जो भी पेंशन अभी रिप्लेस करने के लिए मैंने ये जो प्लेटफॉर्म चुना है, तो उसके बाद में जब मैं स्टडी करती गई तब मुझे पता चला कि इतना उसमें रेवेन्यू आ सकता है और इतनी ये है, लेकिन फिर लाइफ, खुद की लाइफ बदलने का नाम ऑन पैसिव है। तो ये मैं सारी बातें आपको इसलिए कह रही हूँ क्योंकि बिजनेस अपलिफ्टमेंट, लाइफ अपलिफ्टमेंट और क्वालिटी अपलिफ्टमेंट, ये सारे ही मुद्दों को ऑन पैसिव ने बहुत अच्छी तरीके से संभाला है और हम सबको अच्छी तरीके से संभालेगी। मैं जानती हूँ बहुत से टॉपिक जो मैंने सोचे थे शायद भूल भी गई होंगी, लेकिन फिर से हम मिलते हैं। मेरी तरफ से मैंने बहुत कोशिश की है कि बिज़नेस अपलिफ्टमेंट ऑन पैसिव के स्टेज पर कैसा होगा, क्यों होगा, मैंने नोन अननोन में जाने की कोशिश की है। आशा करती हूँ आप सभी को इस प्रेजेंटेशन के ज़रिए कुछ न कुछ मिला ही होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। ओवर टू योगिनी जी। सो मच ममता, आज जो हमने अर्चना जी है, पल्लवी जी और ममता जी है, छोटे छोटे एस्पेक्ट्स होते हैं जो कि हम एज एन कॉमन मैन भी हमें समझना बहुत जरूरी है। तो इन सब बातों पे अवेयरनेस, इन सब बातों का नॉलेज हम सभी फाउंडर्स तक शेयर करने के लिए आप तीनों का जितना हम दिल से शुक्रिया अदा करें उतना कम है। सो थैंक यू वंस अगेन आप तीनों का भी, और इसी तरह से आगे भी आप हमें त्रिवेणी के रूप में अलग अलग जो विषय है उन विषयों में हमें जानकारी मिलती रहेगी, ये हम आशा करते हैं। और यहाँ पे ममता जी, मैं और एक बात बताना चाहती हूँ बिल्कुल, कि हमारा कल का जो सेशन है इंटरनेशनल वुमेन्स डे का, तो हम कल के सेशन का हमको बेसब्री से इंतजार है क्योंकि कल 8 बजे हम हमारी सभी इंटरनेशनल जो एलसी मेंबर्स है उनसे भी मिलेंगी, उसके साथ साथ हमारी जो लेडी फाउंडर्स है उनसे भी मुलाकात होगी। और एक बहुत ही दिल में खुशी है कि हम एक साइकिल कंप्लीट कर रहे हैं, हम एक साल हमारा कंप्लीट हो रहा है जो हमने इंटरनेशनल वुमेन्स डे लास्ट ईयर सेलिब्रेट किया था, और उसके बाद में आज हम वुमेन्स डे सेलिब्रेट करेंगे। तो हम दिल से, ममता इस बात को डिनाय नहीं करेगी कि हम दिल से हमारे सभी महिलाएं जो आज तक हमारे साथ में
अलग अलग के अलग अलग सिटीज से, अलग अलग स्टेट से हमारे साथ में जुड़ी है, जिनके शेयरिंग्स हमने हमारे फाउंडर्स तक पहुंचा है, एक अलग कॉन्फिडेंस उसमें बिल्ड किया, छोटी से शुरुआत की थी हमने और आज हम कहाँ पे है ये सोच के भी हमें बहुत दिल भर आता है जिसको हम कहेंगे। तो ये कल का जो सेशन है मिस नहीं करना, आपके जितने भी लेडीज टीम में मेंबर्स रहेंगे उनको भी ये बात कल की पहुंचा देना कि कल 8 बजे बिल्कुल मिस नहीं करना है। सो आज हमारे बीच में अगर कोई है, नीरज जी है मुझे दिखाई दे रहे, तो नीरज जी को मैं 2 मिनट यहाँ पे बिल्कुल इनवाइट करना चाहूंगी ताकि आज का अगर उन्होंने जो भी सेशन सुना होगा तो कुछ बातें उनसे सुनना बिल्कुल हमें पसंद आएगा। नीरज जी प्लीज वेलकम। आइए नीरज जी, वेलकम है आपका। थैंक यू। बहुत अच्छा लगा त्रिवेणी, बहुत अच्छा आपने कवर किया। एक्चुअली बीच बीच में मैं देख रहा था डोमेन सब डोमेन, तो नॉलेज लेना बहुत इम्पोर्टेंट है कि डोमेन, मैंने एक्चुअली डोमेन सब डोमेन एक्चुअली देखा नहीं, लेकिन मैं अंदाज से बता सकता हूँ कि मैडम ने कवर किया रहेगा कि डोमेन क्या होता है, सब डोमेन क्या होता है, तो वो बहुत इम्पोर्टेंट है। सेकंड पल्लवी जी ने D2C का बताया, मैं खुद बोट का हेडसेट यूज करता हूँ बाय द वे, क्योंकि मैं, लेकिन मैंने शॉप में जाके परचेज किया था, वो एक ये था, लेकिन बोट का है। तो लाइक तो हमारे भी प्रोडक्ट्स यानी हम डायरेक्ट परचेज करेंगे, और तो और ये बिजनेस अपलिफ्टमेंट भी बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, लाइक बिजनेस क्वालिटी सब सबका अपलिफ्टमेंट होने वाला है, क्योंकि ऑन पैसिव बार बार एस सर ने बोला है कि उनको यानी फोकस, उनको फोकस नहीं चाहिए, ऑन पैसिव को फोकस नहीं चाहिए, वो ऑन पैसिव एक सिर्फ मीडियम है, यहाँ पे आप हीरोज होंगे, आपके वेबसाइट पे सब ट्रैफिक आने वाला है, सेल्स आप अब सेल्स आपके यानी आपके वेबसाइट पे होने वाले, पैसा आपको आने वाला है, डेफिनेटली कंपनी को थोड़ा सा तो आएगा जो रनिंग के लिए, लेकिन आप यहाँ पे हीरो है, और ये सबसे बड़ी चीज है बिजनेस की, जो बाकी लोग सोचते ने, क्योंकि वो सोचते हैं कि मेरा प्रॉफिट कैसा बढ़े, लेकिन यहाँ पे अपने बारे में सोचा है, और यही मेन इम्पोर्टेंट चीज है। और डोमेन का मैं थोड़ा सा एडिशनल, आप सिर्फ एक्सप्लोर करना चाहिए, मैं डोमेन जो होता है एक अपना रियल इस्टेट होता है, वैसे ही होता है कि उसका बहुत डिमांड होता है, क्योंकि अभी अभी मैं आपको जो चीज बता रहा हूं आप प्लीज वो माइंड थोड़ा एक्सप्लोर कीजिए। फॉर एग्जांपल, और ये मैं एक्चुअली प्रैक्टिकली करता हूँ इसलिए मैं बता रहा हूं, तो ऐसे ही हवा में बोल नहीं रहा हूं। डोमेन जो होता है, आप क्या कर सकते हो कि डोमेन जो है वो एक यानी ट्रेंडिंग डोमेन फाइंड कर सकते हो, कौन सा डोमेन है, और वो परचेज कर सकते हो, एकदम सस्ता सस्ते में मिलता है, क्योंकि लाइक कॉमन डोमेन रहता है और एकदम सस्ते में मिल जाता है, क्योंकि एकदम नया ट्रेंड है। तो और अगर आप वो ट्रेंड को यानी डोमेन परचेज करते हो, और हमारा जो AI रिलेटेड ओ क्रिएट है वहां से वेबसाइट बनाते हो, और बिलीव नहीं होगा कि आप वेबसाइट बनाओगे थोड़ा सा और आप डोमेन परफेक्ट लोगे, और अगर आप मार्केट में जाके ये बेचना चाहोगे, आपको मालूम नहीं है कि आप ये डोमेन को कितना वैल्यू या प्राइसिंग मिलेगा। ये अभी तक हम सिर्फ बात कर रहे हैं कि हाँ ऑन पैसिव डोमेन देगा, हम बिजनेस में यूज करेंगे, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि ये मैं करता हूँ, और मेरे को इसलिए प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। तो प्लीज प्लीज अपने जो माइंड है एक्सप्लोर कीजिए, बहुत बड़ा बिजनेस है। बस थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच नीरज जी, हम हमेशा आपके जो भी एग्जांपल्स होते हैं या जो भी आपका अनुभव आप शेयर करते हो
तो ये बहुत मायने रखता है कि हम भी उसमें से कुछ कर देखें। तो थैंक यू सो मच। और यहाँ पे हम ममता जी कुछ और है या फिर हम समाप्त करें सेशन को? नहीं, बस कल के हमारे जो 1 साल का हम एनिवर्सरी मना रहे हैं और इंटरनेशनल वीमेंस डे भी मना रहे हैं, तो उसके उपलक्ष्य में हम दोनों ही सबको आमंत्रित करेंगे इसी मंच से, तो ज़रूर आइएगा। और आज तक जितनी भी महिला हमारे साथ दिल की बात में जुड़ी हुई थी, जिन्होंने शेयरिंग दिया या फिर उन्होंने वो प्रोग्राम सुना है, प्लीज़ आइए और हमारे साथ हमारी खुशी दुगनी कीजिए। आपके होने से हमें ज़्यादा खुशी होगी, है ना? यस ममता जी, योगिनी जी, जी, बिल्कुल शुक्रिया ममता जी। हमें पता है कि हमारे साथ में जितने भी साल भर में महिलाएं जुड़ी थी, तो वो बिल्कुल कल हमारे साथ में रहेंगी, और बहुत सारी और उनके टीम में जो साल भर में बड़ी होंगी वो भी हमारे साथ में जुड़ जाएंगी। सो हमें कल का बेसब्री से इंतजार है कल के सेशन का। सो सभी को हम वहां पे आमंत्रित करते हैं, और आज का जो सेशन है यही पे हम समाप्त करते हैं सबसे। आज आज के दिन में अलविदा लेंगे और कल फिर से मिलेंगे हमारे दिल की बात के स्पेशल वुमेन्स डे, इंटरनेशनल वुमेन्स डे के अवसर पे। सो थैंक यू सो मच। हम गर्व से कहते हैं कि हम ऑन पैसिव करते हैं, वी आर सो इन इट टू इन इट। गुड नाइट। हम गर्व से कहते हैं, हम गर्व से कहते हैं, हम ऑन पैसिव करते हैं, वी आर सो इन इट टू विन इट। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। थैंक हम गर्व से कहते हैं, हम ऑन यू सो पैसिव मच करते हैं, वी आर सो इन इट टू एवरीवन, विन इट। वी वी आर आर सो इन इन इट इट। टू विन इट। थैंक यू। गुड बाय नाइट, बाय। थैंक यू। गुड नाइट।